मोक्ष मूलं गुरु कृपा ध्येयं सदा परिविवर्गनमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिचिन्तं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् गौरी श्री कुलदेवता च शुभगा कद्रो महेन्द्रा प्रिया सावत्री च सरस्वती नदी सत्यावृतारुन्धती सत्याजामवती च रुक्मभगणी स्वाहा पितॄणां प्रिया बेला चा मुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलायतनो हरि। मैं सभी पार्टिसिपेंट को सफलतापूर्वक इस कोर्स की उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरीके से आप उन्नति करते रहें। ईश्वर की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, भगवान आपको निरंतर इस तरीके की ऊर्जा देता रहे कि नई नई सोच, नए नए सकारात्मक विचार आप लोगों के अंदर आए। और हमारे गुरुकुल के आचार्य श्री राजीव गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक ऐसे मंच का निर्माण किया जिस मंच पे लगभग सभी वो चीजें हमें प्राप्त हो सकें जो कि बाहर बाजार में प्राप्त होना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। और अगर मिलता भी है तो वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको एक बार फिर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गुरुकुल में पढ़ाने वाले सभी आचार्यों का मेरा अभिवादन, वो सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें और मैं इस मंच की उन्नति के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद आचार्य। थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी क्रम कांड के बहुत अच्छा ज्ञाता है, आप में कई लोग उनसे क्रम कांड सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्रम कांड से हमारा विषय यहाँ पे ये नहीं कि हमें किसी को पंडित बनाना है या उनको पंडित सिखाना है, हमारा क्रम कांड से यहाँ पे विषय ये है कि हमें अपने दिनचर्या के लिए जितना क्रम कांड का ज्ञान होना चाहिए उतना पर्याप्त ज्ञान सही तरीके से, सही माध्यम से, सही इम्प्लीमेंटेशन के साथ पता होना चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंट करने से, किस चीज को कैसे करने से हमें क्या इम्पैक्ट आएगा, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों तरीके से क्या आएगा। तो उस माध्यम से रजनीश जी ने एक पहल करी, वेस्ट शेड्यूल होते हुए भी इनका ये, अदरवाइज तो कॉर्पोरेट में है, इज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, तो इनके पीछे से इनके पूर्वज क्रम कांड में रहे हैं, पंडित रहे हैं, इनके पिताजी आर्मी में पंडित थे, इनके पूर्वज, इनके दादा भी पंडित थे, तो हरिद्वार से, उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं। सो बहुत अच्छा क्रम कांड का इनका ज्ञान है, शास्त्री शास्त्र इन्होंने पढ़ा है, शास्त्र इन्होंने डिग्री ग्रहण भी करी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए, इन्होंने ये शुभ अवसर, शुभ शुभ टाइम हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका, और आप सब लोगों को एक मतलब इट्स ए रिक्वेस्ट, इट्स ए कि क्रम कांड को जरूर सीखे, जरूर समझें, और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सबके जीवन में कि हम इस विद्या को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और अपने लिए, अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के लिए इसका उचित उपयोग हम कर सकते हैं। तो रजनीश जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकी दोनों आचार्य से, बिफोर मूविंग टू अर्जुन सर, टू प्लीज शिल्पी शर्मा जी एंड उपासना जी, तो प्लीज उपासना जी को आप जानते हैं, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, रिकी ग्रैंड मा रिकी की इनकी हैंड्स ऑन पकड़ इतनी स्ट्रांग है, बहुत मतलब रिकी का आप यू टेल अबाउट द रिकी मॉडलिटीज, शी इज देयर टू टेल अस हाउ द रिकी वर्क्स एंड व्हाट आर द मॉडलिटीज इन रिकी, दैट काइंड ऑफ दी ग्रिप ओवर द रिकी सब्जेक्ट शी इज होल्डिंग इट, एंड बहुत ग्राउंडेड है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत बढ़िया उनका रिकी सिखाते हैं ये लोग।
और मेडिटेशन रेगुलर करते हैं। द बेस्ट पार्ट यही रहेगी कि ना मेडिटेशन नहीं कोई सिखाता जनरली, ये मेडिटेशन की मॉर्निंग में लगातार कंसिस्टेंटली क्लास करते हैं और इसके वजह से रिकी के अंदर जो पावर जनरेट होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो शी इज अ ग्रैंड मास्टर ऑफ रिकी एंड आई रिक्वेस्ट उपासना जी तो प्लीज कम एंड से समथिंग एंड देन आप अपने कुछ बताएं बोले कुछ विषय में। उपासना जी आई एम ऑडिबल टू यू जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी उपासना जी यस हाँ जी हाँ। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। नमस्कार मैम। सर आप ऑलरेडी इतना कुछ कह चुके हैं कि मैं क्या बोलूं। So that kind of grounded person she is, मतलब अपनी तारीफ करने के लिए भी इनको सोचना पड़ता है कि मैं अपने विषय में क्या बोलूं, मतलब तो इनका, लेकिन क्वालिटी के मैटर में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, मतलब इट्स लाइक नॉट लेट गो वाला एटीट्यूड है कि करना है जिस तरीके से करना है उसी तरीके से करना है। इनफैक्ट कई बार बात होती है तो कई बार मैं बोलता भी हूँ कि इनको मेडिटेशन इतने दिन तक क्यों कर रहे हो, तो इनका कहना कि सर करना है तो इतना ही मेडिटेशन करना है, नहीं तो नहीं करना है, मेडिटेशन इतना करना ही पड़ेगा तभी होगा। तो कई बार मैं बोलता हूँ रिकॉर्डेड सेशन डाल दो, लोग अपने आप कर लेंगे। शी स्टेट वे डिनाइड कि रिकॉर्डेड सेशन ही करने हैं तो फिर यूट्यूब से कर लो, फिर क्लास का फायदा क्या है। सो मतलब मॉर्निंग के अंदर उठना करना डेडिकेटली, कई बार वेस्ट शेड्यूल होता है इनका, कई बार बाहर जाते हैं तो ये मेरे को बता के जाते हैं, मेरे को कह के जाते हैं कि इतना इस तरीके से करना है। दैट इज अ डेडिकेशन शी इज कैरिंग विद द रिकी। तो हैट्स ऑफ टू यू मैडम, थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ द फैकल्टी, थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ द रिकी सिस्टम, थैंक यू एंड थैंक यू मैडम। एंड आई एम नेक्स्ट इज आई एम रिक्वेस्टिंग शिल्पी शर्मा जी। शिल्पी शर्मा जी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड टैरो कार्ड मास्टर। शिल्पी शर्मा जी का टैरो पे, मतलब टैरो के अंदर अगेन शी हैव दैट काइंड ऑफ पकड़ के, आप एक बार टैरो को किसी भी मॉडलिटी का नाम लो, किसी भी टैरो कार्ड का नाम लो और किसी उसके बारे में समझो पूछो या डेप्थ में जाओ, शी नोज ऑल मॉडलिटीज ऑफ टैरो सिस्टम टैरो कार्ड्स। सो और मतलब एक बार आप टैरो के विषय में एक बार बात करो तो उनके पास ऐसा लाइनअप है कि जैसे खत्म ही नहीं होगा, इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी वाला सिस्टम है। और इतने प्यार से बोलते हैं, ऐसा लगता है बोलते रहो और हम सुनते रहो सुनते रहो, जैसे बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाते हैं ना, ऐसे ही बोलते जाएंगे और हम आराम से बैठे बैठे सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे मजे से। दैट काइंड दैट इज व्हाट शी इज डिलीवरिंग दिस सब्जेक्ट, और वो सीधा सीधा इंसान के अंदर उतर जाता है, मतलब सोचना नहीं पड़ता, इंसान को हिजक नहीं होती और क्लास में बड़ा लोग कंफर्टेबली बैठ रहते हैं। 10 बज जाए 10:15 बज जाए ये नॉन स्टॉप चलती रहती है, इनको ये भी पता चलता है कि घड़ी में 10:15 बज रहे हैं, ये चलती रहती है इनको नॉन स्टॉप चलती रहती है, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कूल काम कंपोज तरीके से टैरो करती है, टैरो सिखाती है, टैरो को पे पकड़ रखती है। शिल्पी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस फैकल्टी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए और लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। धन्यवाद शिल्पी जी, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आप सभी को नमस्कार। सर आपके लिए तो आई रियली हैव नो वर्ड्स बिकॉज वर्ड्स फॉल शॉर्ट कि ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी आपके जरिए ही मिली है। देखिए जब एनर्जी फील्ड में आए थे तो ये तो पता था कि हम चैनल है, हमें यूनिवर्स को ये वापस करना है, देना है हमें, लेकिन जरिया आप बने उसका, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिल पाती है और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच। मेरे पास सर जितनी नॉलेज है मैं उतना शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ और इस दौरान सीखते भी जाते हैं, सबके नए नए एक्सपीरियंसेस है वो साथ में जुड़ते हैं, सो एवरी स्टेप वी आर ग्रोइंग वाइजर, हर स्टेप में हम और सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं, सो इट इज अ ग्रोथ, ऑल टुगेदर ग्रोथ। आई एम रियली ब्लेस्ड सर के आप लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं हम लोग और आज इस प्लेटफॉर्म पे है आप लोगों की वजह से ही है, वी आर रियली ब्लेस्ड, थैंकफुल सर। सर आपका माइक म्यूट है। यस आई एम ऑडिबल, हां जी सर। यस सो अंशु जी का वीडियो किसी वजह से ऑफ है बिकॉज ऑफ सम इशू,
So I request Anshuji to please say some words. Anshuji, she is a Lama Phira healer. And Lama Phira, एक healing subject है अपने आप में. और Anshuji की खास बात यह है कि Lama Phira एक healing modality है, लेकिन इसके अलावा she have a multi-dimensional talent. मतलब उनके पास इतना टैलेंट है, ये एनजीओस के ऊपर काम करती हैं, एनजीओस के साथ काम करती हैं, ये लोगों को एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने के लिए काम करती हैं, ये अलग अलग तरीके से लोगों के साथ मुंबई में कई एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन पे ये सोशल सर्विसेज करती हैं. नमस्कार विवेक जी, सोशल सर्विसेज करती हैं. तो अपार्ट फ्रॉम Lama Phira, Lama Phira की भी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं वहाँ पे. तो In spite of all busy schedule, in spite of so many activities she is doing, she is able to make out some time to do Lama Phira activity on this platform to give value addition in the life of the participant that those are associated with us. Thank you, Anshuji. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Acharya ji. आत्मा नमस्ते आप सभी को. आत्मा नमस्कार Anshuji. Thank you. कुछ reason की वजह से मैं अपना video on नहीं कर पा रही हूँ. Please kindly excuse me for that. Thank you, Acharya ji. सबसे पहले आपको और पूनम जी को बहुत दिल से धन्यवाद है कि आपने ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली शुरू किया. बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ स्किल्स लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उन तक चीजें पहुंच नहीं पाती हैं ड्यू टू मॉनिटरी प्रॉब्लम्स. टाइम बहुत है लोगों के पास, हिंदुस्तान है तो टाइम तो है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है. और जब पैसा कम होता है ना तो फोकस भी थोड़ा हिल जाता है. तो यहाँ आपने लोगों को फोकस करने का जो काम लिया है अपने ऊपर बेसिकली, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू है. और सेकेंडली हाँ, मैं Lama Phira मास्टर टीचर हूँ. बहुत और भी बहुत सारी मोडेलिटीज पढ़ाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ जैसे आचार्य जी ने बताया है. लेकिन बस एक ये है कि मन में हमेशा ये रहता है कि गिवर्स गेन के प्रिंसिपल के ऊपर काम किया जाए, कि जितना आप दोगे भगवान आपको उतना देगा, बल्कि उससे मल्टीप्लाई होकर देगा. तो आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल यही है, अगर आपने किसी को दिया है तो भगवान आपको देते हुए देख रहा है, तो आपका हाथ वो कभी खाली नहीं रखेगा. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मेन रूल है ना. तो इसलिए आप जितना देंगे उतना मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेगा. थैंक यू आचार्य जी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए. थैंक यू Anshu जी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं. शिल्पी गुप्ता जी, आई रिक्वेस्ट टू स्विच ऑन वीडियो. शिल्पी जी थैंक यू. शिल्पी गुप्ता जी क्रिस्टल्स की, नमस्कार शिल्पी जी. शिल्पी गुप्ता जी आपको पता क्रिस्टल्स की मास्टर है. क्रिस्टल्स के ऊपर इतने सारे प्रकार के क्रिस्टल्स आते हैं, शायद इतने तो हमें नंबर गिनने नहीं पड़ेंगे जितने इनको नाम पता है क्रिस्टल्स के, इतने तो हम शायद नंबर ही गिन पाएंगे. तो इतने प्रकार के, और उनकी क्वालिटीज, उनकी एट्रीब्यूट्स, उनके उनके गुणधर्म, उनके मतलब इतने मतलब 85 तरह के क्रिस्टल्स हैं जिनके ऊपर ये काम करती हैं, जिनके बारे में इनको ज्ञान है. एक क्रिस्टल अपने आप में एक बहुत बड़ी खदान है अपने आप में ही, और उस खदान से निकलने वाले इतने अद्भुत क्रिस्टल और उसकी परख को पकड़ पाना एक बड़ा ही इंटेलिजेंट वर्क है. रादर आई वुड से मतलब इट्स अ साइंस तो है ही, खैर ये, लेकिन उसको दिमाग में ध्यान में रखना, उसको अपने मन अंदर में उतारना, अपने कॉन्शियस में उतारना बड़ा मुश्किल काम है जो शिल्पी शर्मा जी करती हैं, शिल्पी गुप्ता जी करती हैं. आई रियली हैट्स ऑफ टू शिल्पी गुप्ता जी, आपको थैंक यू. एंड शिल्पी गुप्ता जी ने ये हमारे साथ कनेक्ट हुए क्रिस्टल्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, क्रिस्टल्स को सिखाने के लिए, इसको सबके साथ शेयरिंग करने के लिए. इन स्पाइट ऑफ हर सो बिजी होमली शेड्यूल, उनके पास घर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत बड़ा इनका परिवार है और उसकी बहुत बड़ी है. मतलब ये परिवार की एक हब एंड स्पोक सिस्टम है, जो होता है सेंटर में हब लग जाता है, लाइक सेंटर में हब आ गया, बीच में सारे साइडों में सारी वो स्पोक्स आ गई. तो शी इज अ हब फॉर हर फैमिली, जिसके साथ पूरा इनका परिवार कनेक्टेड. अगर ये इधर उधर हो जाती है तो इनका पूरा परिवार हिल जाता है. दैट इज हाउ शी इज प्लेइंग द रोल. इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज टेकिंग आउट सम टाइम टू डू क्रिस्टल्स जर्नी विद अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड रियली अप्रिशिएट एंड रियली थैंक यू शिल्पी गुप्ता जी आपको. सो प्लीज वेलकम ज्वाइनिंग एंड प्लीज से सम वर्ड्स. थैंक यू सो मच सर. मैं आप सबका बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सर को सच्चे दिल से थैंक्स करती हूँ. एक्चुअली सर, ये मैं तो क्रिस्टल्स, हम लोग जर्नी में हैं, बट आप एक सबसे बड़ा डायमंड है.
हमारे प्लेटफॉर्म का मैंने क्रिस्टल्स के सिवा ये भी जाना कि क्रिस्टल्स सिर्फ एज अ स्टोन शेप में नहीं होते, वी ऑल आर जेम्स एंड डायमंड्स. तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आया, और जो हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सच में वी ऑल आर क्रिस्टल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. जो एक हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब सीख रहे हैं, एक ये ऑकल्ट साइंस सीख रहे हैं साथ में मिलके, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, और आफ्टर एवरीथिंग ये हमारी जर्नी रहेगी कि हम लोग सबकी हेल्प करेंगे. अल्टीमेट जो हमारा इस जर्नी का एक एक टारगेट है, एक टारगेट है, इट इज टू हेल्प हेल्प द ह्यूमन माइंडकाइंड. तो थैंक यू सर, इस जर्नी में आपने हम सबकी हेल्प की, थैंक यू सो मच. बाकी तो सब सब कुछ बोल चुके हैं, मेरे पास सच में कुछ शब्द नहीं है. आई रियली जस्ट वांट टू थैंक यू. थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एंड आई एम स्विचिंग ओवर टू दी अर्जुन झा सर. अर्जुन झा सर एक वो कड़ी है इस सिस्टम की, एक पूरे स्ट्रक्चर की, जिनके साथ, जिनके छत्र छाया में हम सब लोग जीवन में ग्रो कर रहे हैं, पनप रहे हैं, और वो छत्री अर्जुन झा सर. एज ए मेंटर ही इज एक्चुअली होल्डिंग दैट अम्ब्रेला एंड वी आर ऑल अंडर दैट अम्ब्रेला. तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सीता राव साहब से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और अब से नहीं, अभी करीब 30-35 वर्ष से ये लगे हुए हैं इस फील्ड में, और बहुत अच्छा इन्होंने मतलब राव साहब प्लस और लोगों से जो इस टाइम के दिग्गज हैं, जो अपने 90s की एज में होंगे शायद वो लोग, उन लोगों से इन्होंने उस समय में ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद इन्होंने कितने लोगों को ज्ञान दिया उसकी गिनती नहीं है. कितने लोगों को इन्होंने हेल्प करी जीवन में, कितने लोगों को इन्होंने मार्गदर्शन दिया, मतलब अनगिनत, शायद इनको भी याद हो या नहीं हो मुझे पता नहीं है, इनको भी हम तो दिस दैट काइंड ऑफ मेंटर एंड दैट ही इज डूइंग एब्सोल्युटली फ्रीलांसिंग. लाइक ऐसा नहीं कि किसी चाह से करते हैं या किसी पर्पज से करते हैं, जस्ट डूइंग इट फॉर द ह्यूमन माइंडकाइंड, फॉर द शेक ऑफ द ह्यूमैनिटी, शेक ऑफ द बिल्डिंग the people life, adding values to the people life. That is the reason he is doing it. Just doing it, that's it. Without any kind of monetary gain, any kind of intent that he get out of it, something. Is intent se karte hain aur bas karte rahte hain. At the age of 70 plus also, he is so active, ye karte rahte hain. Abhi inki swasth bigadne ki wajah se kai baar miss ho jate hain, but ye phir bhi inki koshish aati hai ki kuch na kuch karte raho, kuch na kuch chalte raho. लोगों को दास्ता दिखाते रहो, लोगों को आगे बढ़ाते रहो, लोगों को आगे पुश करते रहो कि करो करो और करते रहो. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज से सम वर्ड्स. थैंक यू अर्जुन सर, आप अपने आपको अनम्यूट करें. जी नमस्कार फिर से एक बार सबको. नमस्कार सर जी, बहुत कुछ आपने कह दिया है, उतना शायद लायक नहीं हूं, बट फिर भी आपके मन से जो निकला वो हमारी और मार्गदर्शन ही करेगी. अभी आप लोगों को सबको एक मंच पर देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और जैसा कि शुरू में रजनीश जी ने बहुत अच्छा कहा था कि काफी विधाओं को एक जगह एकत्रित करना ये बहुत बड़ा काम था, और जो कि सफलतापूर्वक राजीव जी ने किया है, ये बहुत सफलतापूर्वक, और जिस कड़ियों को जिस तरह से, एक तरह से मोतियों की माला जो इन्होंने पिरोई है, वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और शालीनता से यह मंच चल रही है ये देख के और बहुत अच्छा लगता है. एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी कुछ बोलने का अवसर इन्होंने दिया है, तो ये है कि शिक्षा और विद्या दो शब्द होते हैं. शिक्षा और विद्या एक ही चीज नहीं है, दोनों दो तरह की चीजें हैं. शिक्षा से हम, जैसे हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीटेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर उससे अपने कमाने का एक साधन जरिया बना के अपना करते हैं, वो शिक्षा के परिभाषा में आती है. और विद्या जो है, विद्या है हमारा जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है. तो इन प्लेटफॉर्मों पर आके, इन मंचों पर आके जो हम पढ़ते हैं वर्चुअली, ये विद्या है, और विद्या, ये सारी विद्याएं हमारी वेद से आई. वैसे तो वेद से सब कुछ आई, वेद में सब कुछ है, इंजीनियरिंग भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है उसमें. और उसके बाद जैसे व्यासदेव ने महाभारत लिखा, तो उन्होंने उसमें कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है, अर्थात उसको भी उपवेद की संज्ञा दी गई.
लेकिन ये विद्या जो है वो ग्रहण करना इस एक संस्कार परिमार्जित होती है, और संस्कार परिमार्जित होती है मन से। ये विद्या जो हम ग्रहण कर रहे हैं ये हमारे आत्मोन्नति का, आत्मा के उन्नति का कारण बनेगा अगर हम इसको कॉमर्शियलाइज नहीं पूरा कर लें। बहुत क्षेत्र में ये विद्या ग्रहण करके भी लोगों ने इतना कॉमर्शियलाइज किया है और करते जा रहे हैं कि उसकी पवित्रता नष्ट हो रही है। ठीक है, माध्यम बनाया जाए इसको भी, क्योंकि जब कोई एक ही क्षेत्र में काम करेगा तो जीने के लिए भी चाहिए उसको, वहां तक तो ठीक ही होता है, लेकिन जब इसको यू नो कॉमर्शियलाइज कर लिया जाता है तो इस मंच ने हमने देखा कि एक बहुत अच्छा चीज किया, कम से कम फीस पर और इस तरह का जो सबको दिया अवसर सीखने का, तो लोग जो जुड़ते जा रहे हैं हमसे उनको भारी भी नहीं पड़ रहा है और सीख भी रहे हैं। अब रहा विद्या, हम सीखे कैसे, जुड़ तो गए, तो गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में, पहले 5वां श्लोक वो कहता है, हम एक मिनट के लिए उसको उद्धरण भी कर दें, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वशादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अब हम अपना उन्नति अपने आप ही कर सकते हैं और अपने को अधोगति में भी अपने आप ही ले जा सकते हैं, ये दोनों काम। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहिए, वो होता है विद्या के ग्रहण से। जब हम विद्या लेते हैं और अपने को संस्कारित करते जाते हैं तो ये विद्या इस तरह से हम अपने को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। फिर 6वें श्लोक में वो कहते हैं कि ये होता है कैसे, कि जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, मन पर नियंत्रण हुआ तो इंद्रिय पर नियंत्रण हो गया, इंद्रिय पर नियंत्रण हुआ तो शरीर पर नियंत्रण होगा हो गया, और आपकी फिर उन्नति होने लगती है। और अगर आपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो वो फिर आपका दुश्मन हो जाता है, आप ही आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है विद्या ग्रहण करने में, मैं शिक्षा और विद्या के बाद कह रहा हूँ, शिक्षा तो वैसे भी कर लेता है आदमी, कई शिक्षित लोग देखेंगे शिक्षा लिया और उसके उन्होंने अपने संस्कार को परिमार्जित नहीं किया, इज डूइंग वेल इन हिज प्रोफेशन, बट फिर भी वो कमी रह जाती है, तो वो वहां का उनका मन उनका ही दुश्मन होता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है, इसको मन को जीत लिया तो हमने सब कुछ जीत लिया। तो यही है जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं और जिस विद्या को हम लोग सीख रहे हैं, इसमें अपने मन को जीतने की जरूर कोशिश करिए। और सब आदमी से हम यही कहेंगे, ज्योतिष का एक बार, ज्योतिष ही नहीं हमारी ये सारे शास्त्र हमारी भारतीय परंपरा की देन है, लेकिन 1940-50-60 के दशक तक एक बार बहुत ह्रास हुआ इसका, लोगों ने इसको बना लिया, एक तो हमारे पश्चिमी सभ्यता वाले ने हमारी अपमान करना शुरू कर दिया कि सपेरों का देश है और ये कुछ, और कुछ हमारे अपने लोगों ने ही इसमें इतनी ठग विद्या जैसी काम शुरू कर दी कि लोगों का विश्वास उठ गया, अपने यहाँ के लोगों का विश्वास भी उठ गया। इस केस में दो लोग आए भारतीय ज्योतिष मंच पर, एक तो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली उत्तर भारत से आए, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ी छोटी छोटी किताब, बहुत किताब लिखा सब विषयों पर और खूब प्रचार किया इसका, हर एक बुक स्टॉल पर उन दिनों में उसके टाइम में ये होता था कि डॉक्टर श्रीमाली का कोई किताब नया आया है और लोग इस तरह से। और साउथ से डॉक्टर रमन आए, वीवी रमन करके आए, तो वो उन्होंने अपने साइकिल पर चर्चर के गांव-गांव में, बेंगलोर के होते थे, और उन्होंने इसका प्रचार किया, तो उनका भी नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इन लोगों ने इस तरह से इसको खुद से एक बार स्थापित किया, फिर काफी विद्वान और आए जो कहते हैं ना एक सूत्रधार के रूप में दक्षिण भारत और उत्तर भारत से। तो हम लोगों को जो हम विद्या इसको सीख रहे हैं उसी भावना से लेके चलें कि हम सीखने के बाद इसको उसी पवित्रता से आगे बढ़ाएं। जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जरूर सब कुछ करिएगा, लेकिन जब पूरा नॉलेज हो जाए तो उसी पवित्रता के साथ, तो क्या होगा कि विद्या का
विद्या देखिए अपने आप में सत्य है, कोई भी पैथी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उस पैथी को चलाने वाले अगर पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किए तो बदनाम क्या हो कौन होता है, उस व्यक्ति के साथ पैथी भी बदनाम हो जाती है, मतलब वो विधा भी बदनाम हो जाती है। तो इसके इसको लेके जरूर चलें कि हम उस पैथी को बदनाम नहीं होने दें और इस तरह से चलाएं। एक शब्द जो मैं आपको मैं फिर से एक मिनट के लिए और लूंगा, पिछले सत्र में वो किसी ने एक बार कहा था मुद्रा के ऊपर में, तो जो पैथी की चर्चा आ गई तो इसलिए मुझे याद आ गया, तो अगर वो क्वेश्चन जिन्होंने किया था तो उसमें मैं रुक गया था इसलिए कि अंशु जी का सब्जेक्ट था, मैंने सोचा था अंशु जी से परमिशन लेके उसका जवाब तुरंत दे दूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई तो मुद्रा का उन्होंने नाम पूछा था, तो मैं अगर वो हूं प्रश्नकर्ता है उनके लिए भी और सभी के लिए, मुद्रा हर एक मुद्रा का नाम है, जैसे इस संसार में हर एक भावना तक का नाम है उसी तरह से मुद्रा का हर एक मुद्रा का नाम है, और मुद्रा में जैसे आपके पांच उंगली हैं इसी में सारी मुद्रा बनती हैं और ये पांचों तत्व इसमें हैं। तो जैसे मोटा मोटी समझा दूं कि हर एक मुद्रा का नाम है, मतलब ये जैसे आपका आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, जैसे उत्पत्ति हुई तत्वों की इसी तरह से ये पांच तत्व समाहित हैं, और जब पांचों तत्व इसमें हैं तो जब हम ऐसे किए तो ये वायु मुद्रा हो गई, इसका अलग भी और भी ज्ञान नाम है, तो हर एक मुद्रा का नाम है उसके, और मुद्रा अपने आप में मुद्रा थेरेपी है, मुद्रा चिकित्सा एक अपने आप में पूर्ण सब्जेक्ट है, मुद्रा से आप अपने हर एक रोग को हटा सकते हैं, हो सकता है आने वाले समय में राजीव जी इस मुद्रा थेरेपी को भी लाएं और जरूर आप लोगों को वो भी मिलेगा। तो ये है, तो मेरा एक ही कहना है, आग्रह है आप सब लोगों से कि विद्या हम सीख रहे हैं, विद्या की देवी सरस्वती को आवाहन करते हुए हम फिर से ये कहें कि इस विद्या को सीखने के बाद इसको हम पवित्रता से अपने व्यवहार में लाएंगे, यही हमारी शुभकामना है, यही आशीर्वाद है सबको। ओवर टू राजीव जी। थैंक यू अर्जुन सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद आपका। बिफोर स्टार्टिंग दिस, हमारा एक सिस्टम है, हम एक गुरु की आराधना जरूर करते हैं और एक गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो मैं गुरु की आराधना में लगा रहा हूँ। लेट्स हैव इट विद ऑल ऑफ यू, आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज फॉलो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। ओम भर्गो दिवस्य हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर हे इष्ट देवी देवता हे कुल देवी देवता हे ब्राह्मणी और जय हे फार्मा की एनर्जीज, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग या इस समय विराजमान हो या इस वैदिक दैविक विद्या को ग्रहण करने के लिए कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। हम सब लोग इस दैविक विद्या को ग्रहण करें अपने लिए अपने परिवार के लिए समस्त संसार के लिए सभी सभी सखी समुदाय के लिए इसका उचित उपयोग करें। हम सब लोग स्वस्थ रहे सुखी रहे कोरोना से मुक्त रहे ऑल ओवर सक्सेस अबंडेंस हैप्पीनेस प्रदान हो सबको। हम सब लोगों के टेवे में पत्री में नव ग्रह 12 राशि 12 भाव 27 नक्षत्र में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करें, सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा जीवन भर दे, हमारे मकान में हमारे महल में चार दिशा चार विदिशा 32 द्वार 45 देवता में जितनी नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त करें, सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा मन विचार महल हमारे आचार विचार हमारा दायरा हर जगह सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वास करें और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वास करें, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। धन्यवाद ग्रेटिट्यूड, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल राइट। सो थैंक यू आप सब फैकल्टीज का, अर्जुन सर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स का ज्वाइन करने का आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारा ये एकेडमी है इसका नाम ही ऑकल्ट साइंसेज एकेडमी है,
ये पूरी एकेडमी है जिसमें कई सारे ऑलरेडी कोर्सेज हम कर रहे हैं कंडक्ट, आने वाले समय में और नए नए कोर्सेज हम ऐड करते जाएंगे। अब बेसिक पर्पज इस एकेडमी का सिर्फ एक पहला परम मोटो ये है, एड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ये परम मोटो है इसका। और उसी के मद्देनजर हमारे इस समय एकेडमी पे जितने भी फैकल्टीज हैं, या तो वो लोग हमसे पास में कनेक्टेड हुए हैं जैसे शिल्पी जी या शिल्पी गुप्ता जी, अंशु जी, नीति जी, सब लोग पास में कहीं ना कहीं हमसे इस एकेडमी के माध्यम से ही कनेक्ट हुए हैं। और ये एक हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि हम आगे आने वाले समय में भी जो लोग जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अगर उनको कहीं पे हम प्लेटफॉर्म पे चांस दे पाएंगे तो जरूर देंगे, या उनकी अगर कैपेबिलिटी के अनुसार, या फिर अगर वो लोग काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं जहां उनको सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की मदद चाहिए, नो हाउ चाहिए, इफ वी कैन प्रोवाइड सम सपोर्ट टू देम, वी आर बी वेरी ब्लेस्ड टू गिव देम सपोर्ट। तो वो सपोर्ट हम उनको प्रोवाइड करते रहेंगे, उनको हम बताते रहेंगे, अकेडमी के माध्यम से वो लोग हमेशा कनेक्टेड रहें, और जो जो भी प्रयास हमसे होगा उनके लिए हम जरूर करेंगे। उसके हमारा एक उद्देश्य ही यही है कि लोगों के साथ कनेक्ट करके लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन करें, और उसके माध्यम से हम सब लोगों के बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स वैल्यू एडिशन कर देता है। तो ये बड़ा सिंपल सा मोटिव है, राइट। इसी के मद्देनजर आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सर्टिफिकेट जो जाता है इस कोर्स को कम्प्लीशन करने के बाद, This I am just putting the slides on show. One minute. Yes. Yeah, astrology advanced plus or vastu advanced astrology advanced plus or vastu advanced plus का जो batch खत्म हुआ, 2 महीने का batch खत्म हुआ। Journey कभी भी खत्म नहीं होती है, journey इसे always be carry on। तो ये एक जर्नी, जो एक पड़ाव खत्म हुआ अगला पड़ाव चालू करने के लिए, एक पड़ाव खत्म करेंगे तो अगला चालू होगा, नहीं तो कोई भी पड़ाव कंप्लीशन अपने आप कभी होता नहीं है। तो इट्स वन डेस्टिनेशन वी अचीव, वन माइलस्टोन वी अचीव, नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट माइलस्टोन, ऐसा हुआ ये। तो उस माध्यम से एस्ट्रोलॉजी वास्तु एडवांस प्लस का ये माइलस्टोन हमने अचीव किया। इसमें पहला सर्टिफिकेट जो जाता है वो जाता है शिल्पी शर्मा जी को। शिल्पी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए। शिल्पी शर्मा जी, शिल्पी जी आप प्लीज रेज योर हैंड ताकि आप आगे आ सकें। आपको मुझे आईकार्ड I'm very much connected, sir. मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। Yes, I can see you now. Okay. Yes, Shilpi ji. अपना Thank you, sir. Yes, Shilpi ji. Thank you so much. क्योंकि आप सही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की नॉलेज गेन की है, और इसको यूज भी कर रही हूँ, अप्लाई भी कर रही हूँ, एंड चेंजेस आई कैन सी। थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू, धन्यवाद। कंग्रेचुलेशंस, नई विधा में भी जुड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, आप लोगों का आशीर्वाद है सर। थैंक यू शिल्पी जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप इसी तरीके से आगे खूब तरक्की करें, ईश्वर की ओर कदम और बढ़ाएं, और भगवान से नित्य प्रार्थना करें, आपकी और उन्नति होगी, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू शिल्पी जी। ओके, नेक्स्ट सर्टिफिकेशन, रणबीर कौर जी आज अवेलेबल नहीं है, पर रणबीर जी के विषय में मैं 2 शब्द यही बोलना चाहूंगा। एट दिस एज वेयर रणबीर जी जिस एज के मुकाम पे, जिस जीवन के दायरे में इस टाइम पे है, इस टाइम पे भी इतनी एक्टिव है, शी इज सो एंथुसियास्टिक, ऑलवेज बी वेरी एंथुसियास्टिक, एंड बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ कोई बात करती है, सीखती है, समझती है, और इतना एगरनेस रहती है सीखने के लिए इनके अंदर कि हर समय कुछ ना कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, और मतलब एक टोटलिटी के अंदर कंप्लीट, एक कंप्लीशन की तरफ देखती है अपने आप को, कि अपनी चीजों को कंप्लीट करें, अपनी चीजों पे आगे बढ़ें, अपनी रेकी पे हो, चाहे हीलिंग्स हो या एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो कभी भी किसी सब्जेक्ट को लेट डाउन अपने हैंड से नहीं होने देती है, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार वो पूरा सीखती है। एंड आई रिक्वेस्ट कोई भी फैकल्टी अगर कोई इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहे तो प्लीज जरूर शेयर देयर फीडबैक्स रणबीर जी पे। इफ एनीवन वुड लाइक टू, एनी फैकल्टी लाइक टू शेयर सम फीडबैक। रणबीर जी आज उपस्थित नहीं है अभी। शिल्पी जी, नॉट श्योर शिल्पी जी है या नहीं है। शिल्पी जी, रणबीर जी का ये सर्टिफिकेट, रणबीर जी आज उपस्थित नहीं है इसमें आज,
तो उनका एक ये सर्टिफिकेट एस्ट्रोलॉजी का और एक ये वास्तु का, इसके ऊपर आप कोई विचार प्रकट करना चाहें रणबीर जी पे? सर रणबीर जी को जितना मैं जान पाई हूँ, मतलब इस भी उनके अंदर वो एंथुजियाज्म है सब कुछ सीखने का, और वो बहुत अच्छे से अटेंड करती हैं, मतलब टैरो हो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस है कि वो इसे अप्लाई करे, इसे यूज करे, और वो उस एफर्ट से आगे भी बढ़ रही है। थैंक यू रणबीर जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अगला किशोरी लाल बेंस, किशोरी लाल जी आप हो? किशोरी लाल जी, किशोरी लाल जी आर यू देयर? किशोरी लाल जी यहाँ पे नहीं है, किशोरी लाल जी है यहाँ पे। किशोरी लाल जी आप हो यहाँ पे? जी यस सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। एस्ट्रोलॉजी का आपने कोर्स 2 महीने का कंप्लीट किया, एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का दोनों का आपने कोर्स 2 महीने का कंप्लीट किया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किशोरी लाल जी जिस सिस्टम से आते हैं उस सिस्टम के अंदर इस विद्या को सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं है उस जिस सिस्टम से आते हैं। इन्होंने एक हिम्मत दिखाई, इन्होंने जब स्टार्ट हुई थी मतलब इन्होंने जब बेसिक स्टार्ट किया था शुरुआत में, उससे पहले इनका मन में इतने डाउट थे और हर सब पार्टिसिपेंट जानते भी होंगे, आज हमने रियलाइज भी किया होगा कि जब ये क्वेश्चन पूछते तो वो मतलब उनके क्वेश्चन में ही आंसर्स होते थे और फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे होते थे अपने आप से। और आज इस समय पे आफ्टर सम टाइम आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी स्थिरता आ गई है, इनके क्वेश्चनों में, इनके बर्ताव में, इनके अंदर, इनके लेवल में कितनी स्थिरता आ गई है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने अपने आप पे मेहनत किया, स्वयं पे मेहनत किया इन्होंने और ये मुकाम प्राप्त किया आपने। किशोरी लाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और कोर्स को पूरा अचीव करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने 2 महीने का एडवांस प्लस और 2 महीने का आपने एस्ट्रोलॉजी प्लस का जो कोर्स आपने कंप्लीट किया उसके लिए आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आपसे तो जो मिला है वाकई में बहुत काबिले तारीफ है, आपका जो एकेडमी जो चला रहे हैं आप, और चाहेंगे हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहें। जी जी जरूर, आप सबके माध्यम से जैसे हमने पहले बताया था तो एस्ट्रोलॉजी के लिए केपी का एक केपी की कक्षा स्टार्ट होने जा रही है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी केपी की। और वास्तु में मकान वास्तु जो लाल किताब से होती है, मकान वास्तु और वेस्टर्न वास्तु का दोनों का एक कॉम्बिनेशन वास्तु के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अगले हफ्ते से हम स्टार्ट कर देंगे होपफुली। मकान वास्तु, मकान कुंडली जिसको बोलते हैं लाल किताब में, और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न वास्तु, ये दोनों चीज नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएंगी इसमें। थैंक यू। मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ। जी 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 जी। अभी कुछ देर पहले रणबीर जी के लिए सर्टिफिकेट दिया, रणबीर जी दुर्भाग्यवश अभी उपस्थित नहीं है क्योंकि वो हमारी जब पूरी अपने यू नो मंच की शान है, वो जिस तरह से शुरुआत से वो जुड़ी और जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन सब पूछती थी, तो शुरू में मुझे लगता था कि बाप रे ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन राजीव जी जैसा धैर्यवान उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब देते थे, उनके क्वेश्चन के पूछने से पूरा क्लास सीख जाता था, इतनी क्वेश्चन। अच्छा जैसे ही वो क्वेश्चन पूछती थी मुझे लगता था मेरा एक और, तो एक तो उनका जो आज देख रहा हूँ कि कहाँ से वो शुरू किए थे और कहाँ तक पहुंची है, शी इज नाउ वर्चुअली एडवाइजिंग अदर्स, अपना एक तरह से प्रैक्टिस तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उन्होंने एक तरह अपने दरमियान में अच्छा एडवाइजर बन गई है। और दूसरा अभी किशोरी लाल जी के साथ जो है, अभी हमने विद्या शब्द का जिक्र किया था, किशोरी लाल जी खुद भी इसको महसूस कर रहे होंगे, उनके चेहरे में उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, जो शुरुआत में थी जब वो क्वेश्चन पूछते थे तो लगता था कि ये एकदम से अविश्वास है इनको, और आज जो देख रहा हूं उनमें परिवर्तन, यही होता है विद्या का करामात, विद्या की जो विद्या को ग्रहण करने से। क्यों किशोरी लाल जी, एग्री करते हैं आप? जी हाँ जी हाँ जी, वो दिखाई पड़ रहा है आपके चेहरे से ही जी। बहुत अच्छा, बढ़िए आगे ऐसे ही। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बल्ब लगा लिया जी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। आपने अर्जुन सर बहुत सही बोला, बहुत उमदा बोला आपने ये बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अरुण गांधी जी। अरुण गांधी जी
आप हो यहाँ पे तो प्लीज अपना हैंड रेस करें ताकि मैं आपको पिनअप कर सके। अरुण गांधी जी, सीमा गांधी जी हैं। सर अभी नहीं है। हाँ जी, सीमा गांधी जी हैं, उनकी हाँ धर्मपत्नी जी। अरुण गांधी जी या सीमा गांधी जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों ने मिलके अरुण गांधी जी के व्यापारिक हैं, व्यापार में इतना बिजी रहते हैं स्कूल में टाइम में, आपको पता ही है जो व्यापार करते हैं शॉप पे होते हैं तो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक उसके बीच में समय निकाल पाना, कम कर पाना, सीखना इतना आसान काम नहीं होता। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके इस विद्या को ग्रहण किया, एस्ट्रोलॉजी को ग्रहण किया और दोनों ने मिलके इसके बाद काम किया। बहुत बहुत काबिले तारीफ है। अरुण जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको धन्यवाद। आपको थैंक यू सर। थैंक यू सीमा जी, उनके उनके बदले पे ये सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाता है। थैंक यू सर। आपकी फोटो नहीं आ रही है सीमा जी, अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपको जो है आई कैन पिंग यू। यस जी। और सीमा जी की अरुण जी की कल 25वीं सालगिरह भी थी। अभी जैसे मैं शुरू में बताया क्योंकि अरुण जी तो सीमा जी की थी तो अरुण जी की बाय डिफॉल्ट थी, तो सीमा जी की हुई तो अरुण जी की तो हो गई 25वीं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू। राकेश नारायण जी, राकेश नारायण जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अगर आप थोड़ा सा अपना हैंड रेस करें ताकि मैं आपको पिनअप कर सकूं। फ्यू सेव राकेश नारायण जी, राकेश नारायण जी कैन आर यू देयर, कैन यू हियर मी? थे ना राकेश सर, अभी नहीं आ रहे। कुछ देर पहले तो दिखाई पड़े थे, अभी आ जाएंगे। चलिए आके आएंगे तभी दीजिए उनको। सीमा गांधी जी अब आपका सर्टिफिकेट, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस इतना जरूर कहना चाहूंगी आपको जी कि टीचर तो बहुत मिलते हैं पर जो दिल से जुड़े और जिनके साथ पढ़ के मजा आए वैसे आप मिले हमें पहली बार। ये आपका प्रेम है, ये आपका सबका सहयोग है जिसकी वजह से सब चीजें बन पाती हैं, हो पाती हैं। पढ़ने का मजा जो है ना वो सर आपके साथ ही आया सिर्फ। अभी तक तो मुझे जीवन में ऐसे लगा है कि मैं अब पढ़ी हूँ कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। सुनील जहांगीर जी क्या है तो बताए। सुनील जहांगीर जी, कुलदीप जी, कुलदीप जी हैं क्या? कुलदीप जी, कुलदीप जी नहीं है। कुलदीप जी के विषय में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। कुलदीप जी एक बहुत ही इनमें जो एस्ट्रोलॉजी को सीखने की जो क्यूरियोसिटी है बहुत ही स्ट्रांग क्यूरियोसिटी है। कुलदीप जी को करीब मैं कुछ नहीं तो शायद 15 या 20 वर्षों से जानता हूंगा क्योंकि ये मेरे साथ एयरपोर्ट सिस्टम में ही है, एयरपोर्ट पे ही है। एक एयरलाइन के माध्यम से इनसे जानकारी हुई थी, एक एयरलाइन को ये हेड करते हैं थे उस समय में और मैं एक डिफरेंट एयरलाइन में था तो उनके माध्यम से ये उनके इनसे जानकारी हुई। लेकिन ये सो हम्बल सो ग्राउंडेड पर्सन हमेशा एक किसी की भी किसी समय पे भी सपोर्ट के लिए हमेशा आगे रहते थे। मतलब कभी भी किसी को कोई समस्या है, इनके पास जो ज्ञान है जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया जिस माध्यम से सिखा सकते हैं किसी को सकते हैं, ऑलवेज एन हेल्पिंग हैंड टू द कम्युनिटी। एयरलाइन फ्रेटर्निटी के अंदर, एयरलाइन के अंदर और पूरे सिस्टम के अंदर एक हेल्पिंग हैंड की तरह हमेशा खड़े होते थे एक दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी में जब ये आए, एस्ट्रोलॉजी जब इन्होंने शुरू करी, इनके मन में बहुत सारे बहुत तरह के विचार थे। शुरुआत में मेरे को फोन करके पूछा करते थे राजीव इसके कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करते थे ये कैसे किया जाए। तो एक जो इस स्टेज पे आने के बाद जो क्यूरियोसिटी है चीजों को समझने की और एक पहचानने की और दूसरी हेल्प करने की, ये इनमें कूट कूट के भरी हुई है। और आज भी ये ऐसे हेल्प करते हैं क्योंकि लोग इनके पास आते हैं इसलिए नहीं आते कि कुलदीप जी एक कॉर्पोरेट लीडर है, वो इसलिए आते हैं कुलदीप जी एक हेल्पिंग हैंड है, एक हेल्पिंग सपोर्ट है, उनका एक एटीट्यूड है हेल्पिंग। तो उसी की वजह से इनके पास लोग कनेक्ट रहते हैं आजकल। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कुलदीप जी आपको, एस्ट्रोलॉजी का 2 महीने का कोर्स एस्ट्रो प्लस एडवांस प्लस को कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल अरोड़ा जी यहाँ पे हैं क्या? शीतल जी, यस सर, प्लीज इफ यू कैन रेज योर हैंड आई कैन पिंग यू। आपका वीडियो नहीं आ रहा शिल्पी। आ गया, आ गया, आ गया।
शीतल जी, शीतल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको 2 महीने की एडवांस प्लस जर्नी कंप्लीशन के लिए। और शीतल जी अपने हस्बैंड के जॉब में बैकबोन है, इनका अपना प्रॉपर्टी का काम है, बिजनेस है, दिल्ली में रहते हैं और उसके अंदर ये बैकबोन है। मतलब ये ऐसे समझे कि अगर इनके हस्बैंड काम कर रहे हैं तो उसके पीछे की जो सपोर्ट है, कहते हैं किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वो ये महिला अपने हस्बैंड के बिजनेस में सक्सेस के लिए। तो वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत ही मेहनत से करती हैं और घर को परिवार को चलाती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, बिजनेस में सपोर्ट करती हैं, खड़ी रहती हैं उनके साथ। और उसके बावजूद इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा, समझा, परखा प्लस अप्लाई किया अपने जीवन में, अपने सहयोगियों के जीवन में, परिवार के जीवन में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका मुबारकबाद आपको कि आपने 2 महीने की जर्नी को कंप्लीट किया। कांग्रेचुलेशंस टू यू शीतल जी आपको। और इफ यू वांट टू से सम वर्ड्स सर, आई वुड लाइक टू शेयर दैट द एम्पल ऑफ नॉलेज दैट यू हैव गिवन एंड योर गाइडेंस, इट्स ऑल काइंड टू अस कि हम लोग आज इस लेवल पे हैं, जो आपने कहा कि we are able to help somebody, so it's all just because of you and your institute and all the senior faculties, all their blessings and their guidance, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. आपका बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको. Thank you, sir. आपने astrology और वास्तु दोनों का advance plus close complete किया, दोनों certificate आपके ही हैं, यहाँ पे display में हैं. Yeah. Thank you, sir. और हितेश जी, thank you, शीतल जी. हितेश जी हैं क्या? I don't think it is जी यहाँ पे हैं। सिद्धार्थ जी सर कहाँ पे? सिद्धार्थ एक can you raise your hand please? सिद्धार्थ yes sir सिद्धार्थ एक इस यंग स्टेज में, और ये भी ऐसे ही आते हैं जैसे किशोर जी आए, इसी तरीके से ये भी आते हैं, उड़ीसा से आते हैं कि सिद्धार्थ, और उड़ीसा के छोटे से शहर से आते हैं और वहां से इन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया, शिक्षा में दिलचस्पी थी इनके, वहां से जुड़े हमारे साथ, इन्होंने नियंत्रण रूप से इसको अपनाया, किया, मेहनत किया और इतनी यंग स्टेज के ऊपर इन्होंने शिक्षा इस पद्धति को ग्रहण किया और सीखा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिद्धार्थ, और आप जीवन में जो आपका ज्ञान है, मतलब सिद्धार्थ के पास एक अच्छी बात यह है कि कोई टॉपिक पे अगर बात कर रहे हो, सिद्धार्थ के दिमाग में वो बात घूमती है, कई बार वो बोलते नहीं है लेकिन उनके दिमाग में वो टॉपिक आ जाता है। दैट इंडिकेट कि इनका मर्करी बहुत स्ट्रांग है, तो इनका आपका सिद्धार्थ बुध बहुत स्ट्रांग है। आप मैंने भी शायद पहले भी अपने एस्ट्रोलॉजी में बात किया था, तो आप बहुत अच्छा करोगे, बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे तक तरक्की करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही करते रहें आप, ऐसे ही लगे रहें, एक दिन जरूर आप अपने इस दायरे में, अपने इस क्षेत्र के अंदर अपना एक नाम, अपनी स्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आपको कुछ कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ तो आप बोल सकते हैं। जी सर, एक्चुअली मेरा तो ये लाइफ से सपना था, मगर कहाँ से फोन करने से बहुत लेट होने की वजह से मैं कर नहीं पाया, यहाँ पे लोकेलिटी भी चेष्टा किया नहीं हो पाया। आपके लिए बहुत थैंक्स, जो कम रेंज में हमारे जैसे लोगों को आप ये प्लेटफॉर्म दिए। थैंक यू सर। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रामाकिशन जी मंदाली जी, रामाकिशन मंदाली जी माय फेवरेट सर। कहाँ है आप? नमस्कार सर। नमस्कार रामाकिशन जी। रामाकिशन जी के बारे में शायद मैं अगर बोलता रहूं तो बोलता रहूंगा, क्योंकि रामाकिशन जी के पास इतनी सारी नॉलेज है ऑलरेडी, इन्होंने यू नेम इट कहाँ कहाँ से इन्होंने कितने कितने लोगों से बहुत कुछ सीखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब इतना ज्ञान रखते हुए और उसके बाद भी इनमें आज इस सब चीजों को सीखने के बाद भी आज भी इनमें ये रहता है कि मैं और सीखूं, मैं और पढ़ूं और समझूं और देखूं इसके अंदर क्या, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू डू इट, मतलब इनके अंदर हमेशा एक नई चीज को समझने की प्रवृत्ति रहती है, जानने की प्रवृत्ति रहती है, उसकी डेप्थ में जाने की प्रवृत्ति रहती है, उसके अंदर तक खोजबीन करने की प्रवृत्ति रहती है। इनका राहु बहुत स्ट्रांग है, एक राहु होता है जो अंदर तक घुस के चीजों को निकालता है, सो दैट काइंड ऑफ प्रवृत्ति, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही इज कैरिंग ऑलवेज, एंड ही इज एक ईगर टू लर्न होता है ना, ईगरनेस जिसके एक पॉजिटिव ईगरनेस कि कुछ करना है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा जो मेरी नॉलेज को अनाउंस करे, जो मेरे को अनाउंस करे, जो वैल्यू एडिशन करे, वो प्रवृत्ति इनकी है। रामकृष्ण जी इस एज में, इस स्टेज पे आप जो काम कर रहे हो काबिले तारीफ है,
इस स्टेज पर आके लोग आमतौर पर थक जाते हैं और आदमी बोलता है कि ठीक है बस अब बहुत हुआ, अब नाउ इट्स अ टाइम टू डू रेस्ट. आई मीन इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर सिचुएशन आपकी कई बार हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, बच्चे भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी आप लगे रहते हो, फिर भी आप करते रहते हो. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, वो जो आपका एटीट्यूड है वो काबिले तारीफ है. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और इस पूरी जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ इस जर्नी में साथ बनाए रखने के लिए और कंप्लीशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको मोरकबाद. तो थैंक यू रामकृष्ण जी. रामकृष्ण जी ने कई इंस्टीट्यूशन से बहुत नॉलेज गेन करी है, उसके बाद ये मेरे से कनेक्ट हुए थे. और कनेक्ट रहने से पहले इन्होंने मेरे से यही पूछा था कि भाई मैं कुछ यहाँ पे एडिशन मेरे को कुछ मिलेगा या सब वैसे ही जैसे चलता आया था वैसे ही होगा. सो आई सेड यू जस्ट सी दैट, जस्ट डू टेस्ट एंड ट्रायल. इफ यू फील कनेक्टेड यू कनेक्टेड, इफ यू डोंट फील कनेक्टेड यू आर ऑलवेज ओपन टू कनेक्ट लीव इट. बट इन्होंने कुछ ऐसा पाया हमारे साथ जो इनको लगा कनेक्टेड है और ये मेरे ख्याल शायद 4-5 महीने हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली हमारे साथ, ये 5 या 6 महीने कि ये हमारे साथ कनेक्टेड है. तो रामकृष्ण जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं. पर्पल कलर है आचार्य जी, काफी अप्रिशिएट. पर्पल कलर हमें नहीं चाहिए, लेकिन उस लाइक में नहीं समझता बदवा जैसे हमारे पुराने ग्रीन बैग नीचे. बैकग्राउंड वॉइस सुनीता मैडम अपना बैकग्राउंड वॉइस बंद करें. यस जी, मैं इस लाइक समझता नहीं हूँ. अरे मैंने बहुत ही स्लो लर्नर हूँ, मैं इतना स्टूपिड हूँ उसके स्कूल में. और उसमें हरा रंग डिस्टर्ब होता था, लेकिन वो पीछे पीला है वैसे पीला रहेगा. ये बैकग्राउंड वाइज बंद करें. ये नाम पर्पल कलर का लिखा हुआ है ना वधवा, वो उसकी जगह पे हरा रंग लिखना, ठीक है. और लोगो चेंज करना है, ठीक है. और नाम जो लिखा हुआ है ना, जो ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है सर्वशक्ति होते परमात्मा, वैसे लिखना है. सर आप बताएं, आप बात करें. इतना स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता था, क्लास डिस्टर्ब भी होता था, फिर भी जो है आप इतना पेशेंटली जवाब देते थे. मैं जो भी आप समझते हो, मैं काफी कुछ लर्न किया, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ मैं 1-5 स्केल पे मैं 1 पे ही हूँ. मैं आगे और भी करने के लिए कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा. थैंक यू सर. आपको भी, थैंक यू मैडम को भी. आप आपका सपोर्ट काबिले तारीफ है और मतलब सॉरी काबिले तारीफ है आपका सपोर्ट. आप जो जिस तरीके से सपोर्ट करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, उससे हमें भी कुछ नया मिलता है. आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इट्स रियली इट्स एन अप्रिशिएबल, लाइक आई वुड नॉट माइंड इट एवरी टाइम, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आपको लगता है कि शायद आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं, आपके क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गहराई होती है और जिससे हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस चीज का आंसर को ढूंढे. अगर हमें नहीं मिलता तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो इट्स ऑलवेज बी अप्रिशिएबल दैट यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, यू आर रेजिंग द कंसेंसस एंड इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अस टू इम्प्रूव इट फर्दर एंड कीप इम्प्रूविंग अस. सो इट्स नेवर बी लाइक वी फील अनकंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस, वी फील गुड विद द क्वेश्चंस दैट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव. थैंक यू रामकृष्ण जी, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका. थैंक यू. नेक्स्ट इज सिल्वा, आई थिंक ही इज नॉट हियर. सिल्वा आप हैं यहाँ पे? नो आई डोंट थिंक. रीता जी आप हैं यहाँ पे? रीता जी आई थिंक शी इज नॉट देयर. कोटेश्वरी मिलान नीना मैडम, नीना मैडम है सर. नीना मैडम का नाम कोटेश्वरी? यस सर. नीना मैडम? यस सर. अरे आप बोल भी नहीं रहे. यस सर. आपका ऑफिशियल नाम कोटेश्वरी है? यस सर. यस सर. ग्रेट, बहुत बढ़िया. नीना मैडम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. आप आप में तो वैसे भी यू आर ऑलरेडी ए साइंस मास्टर, तो साइंस मास्टर के साथ एक साइंटिफिकली किसी साइंस के लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि उनको हर चीज लॉजिकल चाहिए. दे फाइंड लॉजिक्स इन एवरीथिंग, एंड अगर उनके साथ साइंस कनेक्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट हो गई, इट मींस कि दे रियली अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सम साइंटिफिक कनेक्शन इनटू दैट सब्जेक्ट. एंड इफ दैट इज देयर, इट गेट्स एस्टैब्लिश्ड दैट यस, people are now
our Indian people, our system is now coming back to the, our Vedic roots. So that's where I can relate to it. And it's very, very good that आप हमसे connect हुए और आपने astrology learn किया. ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि आप हमें वो अवसर मिला कि हमने एक साइंस के स्टूडेंट को एस्ट्रोलॉजी सिखाई जो हर चीज में लॉजिक फाइंड आउट करते हैं. और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. नीना जी की खास बात ये कि नीना जी वर्किंग में है, टफ शेड्यूल रहता है, टाइम कम रहता है और कॉर्पोरेट के अंदर तो वैसे भी एक थोड़ा सा डिमांडिंग रहती है चीजें हर समय. उसके बावजूद इन्होंने इस सब्जेक्ट को समझा, सीखा, इसी का सब्जेक्ट को नहीं सुना, जहां इनको जब मौका मिलता है ये उस सब्जेक्ट को सीखती है, उस साइंस के ऊपर ये जाती है. शायद ये उन पार्टिसिपेंट्स में से है जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज को एनरोल किया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी 9 या 10 कोर्सेज को शायद ये एनरोल कर चुके हैं, या 7 या अब 7 प्लस कोर्सेज को जाते मेरी इंडस्ट्री में एनरोल कर चुके हैं. सो इट विच इंडिकेट दैट कि इनकी एंथुसियाज्म लेवल क्या है, जो ये लगातार कोर्सेज को सीखना चाह रही है, लगातार सब्जेक्ट्स को सीखना चाह रही है, इनकी एंथुसियाज्म लेवल क्या है. और इस एंथुसियाज्म को बनाए रखे, चीजों को सीखते रहे, करते रहे. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एस्ट्रोलॉजी का एडवांस प्लस का कोर्स और वास्तु का एडवांस प्लस का कोर्स दोनों कोर्स आपने कंप्लीट किए. और आप इसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, जहां पे भी, जैसे मैंने पहले बोला, जिस भी पार्टिसिपेंट को जब भी जहां जरूरत है, कभी भी जरूरत है, ये इज नॉट रिलेटेड टू ओनली विद रिस्पेक्ट टू दी कोर्स के जातक है, आगे भी लाइफ के अंदर कभी भी कई जरूरत पड़ती है और हम आपको लगता है कि हम उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन कॉल अस, यू कैन राइट टू अस, वी आर अवेलेबल. Thank you, sir. Thank you so much for giving us this opportunity to learn such a wide variety of, various modalities of occult sciences. Or all the teachers are very, very down to earth and very eager, to teach us and to help us learn these modalities. I'm very, very happy. In fact, we are very, very thankful to God and to you for giving us this opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you, Neeraj ji. Thanks a lot. And आप जिस भी सब्जेक्ट को आप टीचर है या कॉर्पोरेट में आप सी बेसिकली आई एम एन कंप्यूटर साइंस आई एम एन इंजीनियर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एट प्रेजेंट आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग और साथ में मैं इवनिंग में मैं टीचिंग भी करती हूँ टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 and 10 टू हेल्प देम इन द बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स थोड़ा सा अलग होती हैं कंपेयर टू द रेगुलर स्कूल टीचिंग्स सो देयर आई फील देयर वाज अ लैक इन द प्रेजेंटेशंस तो उस हिसाब से मैं 9 and 10 के बच्चों को हेल्प करती हूँ इवनिंग में और साथ में जो टाइम बच जाता है मैं खुद अपने आप को लर्न करने में डिवोट करती हूँ आपके संस्था में जुड़कर. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सो मेनी एक्टिविटीज यू आर डूइंग एंड देन स्टिल यू आर फाइंडिंग वेज टू लर्न न्यू थिंग्स दैट्स अ ग्रेट एंड मैं दो आपसे मैं 2 मिनट लूं नीरा जी के लिए सर बिल्कुल ले बहुत आशीर्वाद है और जितने सीरियस स्टूडेंट ये विधा के जिस विद्या को सीखने के लिए जितनी सीरियसली आप लेते हैं आपकी हैंडराइटिंग भी देखा जितनी अच्छी और वेल एस्टेब्लिश साइंटिस्ट ओके अपने आप में साइंटिस्ट हैं आप और मैं यहाँ दो एक मिनट के लिए एक नाम जो बड़े आदर से आज के दुनिया में ज्योतिष शास्त्र में क्षेत्र में लिया जाता है वो है श्री के एन राव का तो उन्होंने ही वॉज डायरेक्टर जनरल विद दिस अकाउंट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होती है वहाँ तो शुरू से ही उनमें बच्चे से माता उनकी जो थी एस्ट्रोलॉजर थी तो उन्होंने उनको लत लगा दिया और उनकी माता रमन साहब की शिष्य थी डॉक्टर रमन जो होते थे तो उनसे चला तो जब ये इन्होंने सिखाना किया शुरू किया तो अपने डिपार्टमेंट के ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो प्रोफेसर वो सबको जबरदस्ती पकड़ के सिखाते थे राव साहब और जब भारतीय विद्या भवन से उनको ऑफर मिला तब तक वो वेल एस्टेब्लिश हो चुके थे उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से या किसी कॉलेज से नहीं सीखा था ऐसे ही पर के और माता से फिर डॉक्टर रमन से और फिर कई जगह जा जाके उन्होंने सीखा और आज की डेट में उनका जो नाम लिया जाता है जो जानकार है ज्योतिष क्षेत्र के जानते हैं कि उनकी एक स्तंभ है मतलब ज्योतिष के तो उसी तरह से आपको देख के लगता है कि आपने उनके क्षेत्र फिर जब भारतीय विद्या भवन में हुई थी स्टार्ट तो कई जजेस डॉक्टर्स उस तरह के लोग जुड़े और ऐसे ही प्रोडक्ट्स बूढ़े बूढ़े सब आते थे और उसमें में ऊपर पर के फिर उनको पढ़ा के उन्होंने एक फैकल्टी का निर्माण किया और उनमें से सबको पुस्तक लिखवाया
कि तुम जबरदस्ती गाइड वो करते थे, नाम उनका जाता था लिखने वाले का, लेकिन वो जबरदस्ती लिखवाते थे। तो ये जो चीज देखता हूँ अभी आपको देख के वही याद आ गया, और जो ये मंच से राजीव जी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग जुड़े, ऐसे प्रतिभावान विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान, तो और ही अच्छा होगा। जैसा उन्होंने कहा कि हमें भी अच्छा लगता है, मतलब ये मंच का भी सौभाग्य होता है कि ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और से विद्वान लोग आए। तो आपको भी आशीर्वाद है, और बढ़िए और बढ़िए और ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। और नीना जी आपके, क्योंकि मुझे कहना ये लग रहा था कि आप एजुकेशन में भी हैं कनेक्टेड, कहीं पीछे बात हुई होगी किसी क्लास में, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर आल्सो प्लानिंग टू डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इस चीज को देखते हुए कि आने वाले समय में ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के पास एजुकेशन की रीच बढ़ रही है, और उनको सबको एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एक ऐसी एजुकेशन चाहिए जो कि उनकी पॉकेट फ्रेंडली हो और क्वालिटी एजुकेशन हो, ताकि वो एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर सकें। इसी माध्यम से देखते हुए एकेडमी ने एक ये भी प्लान किया है, जो आने वाले स्तर के लिए, जो अब आप चालू होगा नया सेशन, उस सेशन के लिए एकेडमी इज नाउ गोइंग फॉर द अकाडमिक्स, ठीक है। और उस अकाडमिक्स में अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, प्लीज संपर्क करें हमसे, हम जरूर अकाडमिक्स को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और उसमें भी इसी तरीके से विद द क्वालिटी एजुकेशन एंड विद द पॉकेट फ्रेंडली एनवायरमेंट, ताकि सबको, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी, दे गेट एक्सपोजर, द फैकल्टी गेट एक्सपोजर, द स्टूडेंट्स गेट देयर राइट बेनिफिट्स, एंड एवरीबॉडी गेट अ चांस टू लर्न एंड अर्न, सिंपल, दैट्स वेयर द मोटिव इज विद द क्वालिटी। Definitely, sir. So my area of expertise is science and maths. For so any definitely any time, just do let me know. I'll great. Thank you. Thank you, Neena madam. Thank you and Mubarakbad. आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको. Thank you. Thank you. पद्मा गोयंका जी आज नहीं है यहाँ पे. पद्मा जी मतलब पद्मा जी एक housewife हैं, लेकिन उड़ीसा में भुवनेश्वर कटक में, और इनका बहुत बड़ा परिवार कलकत्ता में बेस्ड है। अपने परिवार के लिए ये डेडिकेटेड आती है, सदा डेडिकेटेड आती है, हर समय इनमें अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रहती है। अपने परिवार से मतलब खाली अपने चार लोगों का परिवार नहीं है, अपने परिवार से मतलब अपना कुटुंब परिवार पूरा, चाहे वो इनकी तरफ का कुटुंब परिवार हो, चाहे इनके हस्बैंड की तरफ का कुटुंब परिवार हो, हर समय डेडिकेटेड आती है। और इनके पास इस समय इनकी अपनी इनकी एंगेजमेंट बढ़ गई है, इसको देखते हुए कि सबको पता है इनके परिवार में कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीख रही है, और कभी किसी को ना नहीं बोलती है, कभी किसी को ना नहीं बोलती है। इनको नहीं आता होता था, ये मेरे से संपर्क करती है बार बार, लेकिन शी द लेडी इज ऑलवेज हैव यस, ओनली यस इन हर डिक्शनरी, इट इज नेवर बी नो, नेवर बी रूड टू एनीबडी, सच ए सॉफ्ट स्पोकन, सच ए वेरी ग्राउंडेड पर्सन, ऑलवेज से यस, ऑलवेज बी इन हेल्पिंग हैंड टू एवरीबडी। अपने परिवार, अपने पूरे कुटुंब परिवार, समाज के लिए डेडिकेटेड रहती हैं और चीजों को करती रहती हैं। ये इनका कटक में ये जो श्री श्री हैंगे, श्री श्री क्या नाम इनका पूरा, श्री श्री वाले श्री श्री रविशंकर जी का कटक में अपनी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में इनका योगदान अच्छा रहा। उस यूनिवर्सिटी का जब समारोह हुआ, तो समारोह के मंच पे श्री श्री रविशंकर जी ने इनको वहां पे बुलाया और वहां पे इनको अभिमान किया, मतलब इनको रिवार्ड रिक्रेशन प्रदान किया। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, श्री श्री रविशंकर जी का जो मिशन है उससे भी ये जुड़ी रहती है वहां पे ये, और उसके अंदर भी ये हमेशा आगे रहती है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल वर्कर, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड पर्सन, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हर फैमिली, कुटुंब परिवार सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं पद्मा जी को, एंड आगे ही ऐसे करती रहेंगे, आगे ऐसे बढ़ती रहें जीवन में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहन कपूर जी, रोहन जी आप हैं यहाँ पे? आई डाउट रोहन जी नहीं है शायद यहाँ पे। बबीता जी, आई थिंक बबीता जी भी नहीं है। अंशु अग्रवाल जी के लिए तो शायद मैं क्या बोलूं, मतलब अभी तो अंशु अग्रवाल जी खुद ही फैकल्टी है, तो आई कैन ओनली से टू हर दैट इनकी जो डेडिकेशन है, इनका जो काम करने का तरीका है वो अद्भुत है। हर लिहाज से, हर तरीके से व्यस्त होने के बावजूद सीखते सिखाते रहना, सीखते रहो, सिखाते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ये इनके साथ हमेशा लगा रहता है।
और हमेशा चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है अंशु जी, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो, इनकी पीछे कुछ समय में तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसके बावजूद इन्होंने कभी ये नहीं बोला मेरे को कि राजीव जी आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेरी ठीक नहीं है तबीयत। शायद एक आध बार कभी हुआ होगा तो शायद हुआ होगा, इन जनरल शी ऑलवेज बी इनटू दैट कि मुझे क्लास लेनी है, चाहे गर्म पानी लेके बैठूंगी साथ, लेकिन मुझे क्लास लेनी है, आई हैव टू डू क्लास, आई विल नेवर टेक लीव फ्रॉम द क्लास। तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शी इज कैरिंग, हैट्स ऑफ टू हर। अंशु जी आर यू देयर? थैंक यू आचार्य जी। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? क्योंकि मैं दो डिवाइसेस से लॉग्ड इन हूं, तो एक में मैं दिख रही हूं और एक से मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है ये हमें पता है, आप, आप, आपकी जो डिवाइस दिख रही थी वो स्पॉटलाइट पे है, तो इट्स ओके, यू गो अहेड। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें आवाज जाती नहीं है, टेक्निकल इश्यूज। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, और आचार्य जी, पूनम जी, राजीव जी को बहुत बहुत थैंक यू है। सेकेंडली, ये जो एस्ट्रोलॉजी मैं जो सीख रही हूँ, जो वास्तु सीख रही हूँ सर के पास से, ये कभी ऐसे मन में कभी नहीं था कि मुझे सीखना है, बट हाँ, इंक्लिनेशन बचपन से रहा है इन चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली जब ये सामने अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। वो करके देखने के चक्कर में इतना अंदर चले गए कि यहाँ पर आकर फैकल्टी बन गए दूसरे मोडालिटीज की। वैसे प्रोफेशनली अगर आप देखो तो मैं एक इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ, मेरा अपना शोरूम भी है, वो एक अलग मेरा फोटे है वो जो चलता है साइड बाय साइड। सेकेंडली, ऑकल्ट साइंस एक बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, तो इसमें मैं अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना चाहती हूँ हमेशा से। और अब थैंक्स टू राजीव जी, उन्होंने कुछ ऐसा मेरे नाम में भी कुछ गुगली फेंक दी है कि मैं पूरी तरह से इस तरफ इंक्लिनेशन मेरा आ गया है, तो बस आगे और बढ़ना है, इसी काम में आगे और बढ़ना है मुझे। वास्तु, ये लामा फेरा है, और भी मोडेलिटीज हैं जिनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अंशु जी लामा फिरा में तो कर ही रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। एनएलपी के ऊपर शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर दी एनएलपी सब्जेक्ट। एनएलपी उन्होंने बहुत काम किया है, एनएलपी पे काफी काम लगातार करती रहती हैं, लोगों को एडवाइस करती रहती हैं, लोगों को कंसल्टेंसी देती रहती हैं, लोगों के लिए फ्री, समाज में फ्री सेवा भी करती रहती हैं एनएलपी के ऊपर। तो एनएलपी के ऊपर इनका अपना प्लान था, तो इन्होंने फिर एक वेलफेयर के माध्यम से इन्होंने फिर सोचा कि लेट्स ऐड वैल्यू इन द पीपल्स लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एनएलपी। तो शी इज वेरी शॉर्टली कमिंग अप विद द एनएलपी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो एनएलपी सिखाने के लिए ये एक और नया बैच चालू कर रहे हैं अंशु जी, और जिसको भी सीखना चाहे वो एनएलपी के अंदर सीख सकते हैं। एनएलपी के बारे में मुझको बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, तो अंशु जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इफ शी कैन से फ्यू टू थ्री लाइन्स ऑन द एनएलपी। एनएलपी बेसिकली आपका माइंड गेम है। हम तीन तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो अगर हम हीलिंग की बात करें तो वो सोल से रिलेटेड है कम्प्लीटली, जो एनर्जीज हायर अप से रिलेटेड होती हैं। फिर आपका आता है बॉडी, जो आप मेडिकली आप ट्रीट कर लेते हो, माइंड को कैसे ट्रीट करोगे। तो एनएलपी इज ऑल अबाउट माइंड। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप सब काम कर सकते हो, आपका बॉडी भी ठीक रहेगा, स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड रहोगे। और इसीलिए हर एज में, बच्चे से लेकर बड़े तक, जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपके हर सेक्स पर आपका माइंडसेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो उससे किस तरह से डील करना है, किस तरह से अपने आप को वो पास से अलग करके प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर में देखना है, तो इट इज अ जर्नी ऑफ योर माइंडसेट बेसिकली। तो इसको जो फुल फॉर्म है वो होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से अपने आप को आप उन चीजों से बाहर निकाल के आगे बढ़ते। तो इट इज अ शॉर्ट जिस्ट ऑफ एनएलपी, और बहुत है इसमें काम, बहुत है, क्योंकि हर तरफ आपको लगता है यूज में बहुत आता है। मेरे सेमिनार चलते हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए फ्री होते हैं, तो आई जस्ट गो एंड गिव सम स्पीचेस, वन आवर का मेरा रहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि उनको बहुत जरूरत है इन चीजों की। अपने एक्सपीरियंस साथ में लेके चलने से ज्यादा है अपने प्रेजेंट में जीना और आगे देख, राइट? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। बिल्कुल ठीक बोला अंशु जी ने। एनएलपी वैसे हर लिहाज से हर इंसान के लिए जरूरी होता है, अपने ऊपर काम करना।
ये बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों बच्चे भी बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हैं दिमाग पे अपने, कुछ कुछ चीजें बिठा लेते हैं और उनको, और साथ में पेरेंट्स के साथ, कि पेरेंट्स कई बार कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, एक बैगेज कैरी कर रहे होते हैं, उस बैगेज से बाहर निकल के उसको कैसे चेंज करना है अपने लिए और अपने साथ कनेक्टेड लोगों के प्रति कैसे चेंज करना है, अपने अपनी मेमोरीज को कैसे फॉरगो करना है और नई चीजों को अडॉप्ट करना है अपनी मेमोरी में, तो वो पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस उस टेक्निक के अंतर्गत एनएलपी, मतलब एनएलपी एक पूरी मॉडलिटी है जिसके अंतर्गत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स आती हैं, और इसी के ऊपर अंशु जी आने वाले टाइम में एक जो अपना एक B2A का कार्यक्रम है, B2A का प्रोग्राम है, वो लॉन्च करेंगी, वो करेंगी स्टार्ट। सो दोज पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड कैन ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू अंशु जी, और आपको इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नीति, विवेक कुमार जी अवेलेबल हैं क्या? नीति जी, नीति जी नहीं है, तो नीति जी को तो सब लोग जानते हैं, आप लोग हमारी रेड बुक मास्टर, तो रेड बुक इज ए फेवरेट बुक ऑफ एवरीबडी नाउ द डेज, एंड द बेस्ट पार्ट ये कि रेड बुक के ऊपर इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कला जो है, जो आर्ट इन्होंने जो इन्होंने टेक्निक ली, वो बेसिकली इसलिए ली क्योंकि इन्होंने उन लोगों से कनेक्टेड रहती है जो लोग पंडित रूपचंद जोशी जी से कनेक्टेड थे, इनके परिवार में है, इनके चाचा, इनके इनके परिवार में, इनके शहर में वो लोग है जो पंडित रूपचंद जी से कनेक्टेड थे, तो वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी में बनती है। प्लस एड ऑन बेनिफिट को ये बीइंग दुबई बेस्ड, इनको उर्दू आती है, इनको अरेबिक आती है, तो इन्होंने वो ओरिजिनल टेक्स्चर्स पढ़े हैं जो उर्दू में लिखे गए थे उस समय के, तो वहां से जो इनसाइट आता है बहुत स्ट्रांग आता है, तो इन्होंने लाल किताब पे बहुत काम किया है। बहरहाल उसके बाद इन्होंने वास्तु, इन्होंने सीखा पूरा वास्तु को लर्न किया, वास्तु इनका इन्होंने अच्छे से इनको वास्तु की टेक्निक्स को वर्किंग, इनको मकान कुंडली देखना बहुत अच्छा आता था, शी वर्क वेरी ब्यूटीफुली ऑन मकान कुंडली, बट एक जो जो जिस वास्तु को हम करते हैं एक मॉडर्न वास्तु को, वहां से मकान कुंडली को कनेक्ट करके एक नया ही इन्होंने चैप्टर डिजाइन किया मकान कुंडली के अंदर, विच शी इज गोइंग टू डू इट वेरी सून। तो दैट इज दी आर्ट शी इज कैरिंग, की कोई भी चीज को अडॉप्ट इतनी जल्दी करके जो मॉडलिटीज है उनके साथ करेक्ट करके एक नई मॉडलिटी को तैयार करना और उसके साथ काम करना ताकि रिजल्ट्स के अंदर इम्प्रोवाइज किया जाए, दैट दी आर्ट शी इज कैरिंग। तो बट अगेन एडवांस वास्तु की जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए नीति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू नीति जी। हिमानी जी है, हिमानी पंचाल जी, हिमानी जी, आई कांट सी हिमानी पंचाल जी, आर यू देयर? सीम्स नो। एक मिनट होल्ड कर, नहीं है। रातुनु भट्टाचार्य जी, नहीं है। मीना गोपीनाथ जी, मीना मैडम आपो, मीना मैडम नमस्ते सर। नमस्कार मीना जी, नमस्कार, नमस्कार, अपने आपको अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें अपने आपको। अनम्यूट किया सर, अनम्यूट जी, किया जी जी। मीना मीना जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इस पूरी जर्नी को कंप्लीट किया वास्तु की, और बहुत ही डेडिकेटेड हैं आप अपने काम में, और मॉर्निंग में रोज सुबह सबसे पहले आप उठ के मेडिटेशन क्लास में बैठ जाते हो और रात तक लगे रहते हो, उसके रात को वास्तु की क्लास भी करते हो आप, और इस स्टेज पे आके आप में इतनी क्षमता और इतनी मेहनत को देखते हो, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जब आप इस स्टेज में आके इतनी मेहनत कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो बहुत ही प्रेरणावर्धक रहते हो आप दूसरों के लिए भी, और इस पूरी जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आई वांट टू से समथिंग सर, I want to say something. जी जी मैडम बोले बोले। Sir, this team is very good team and they are focused about on our learning and all the teachers are very cooperative, informative and I like all the teachers. They are I respect all of them. They are teaching very well. Everybody should use this opportunity. I'm telling to my friends also. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और यस इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट फीलिंग
connected with us, if they feel value addition there, they can tell their other fellow members, their friend circle, their families, if they are interested in learning any occult sciences, any subject, they can always get in touch with us, and we will be very, it will be very support to us, and we will be very blessed that those participants are connected with us. Thank you. So always we are available for the support of any kind of support that you need it in your future, where we can do some good value addition in your life or in your somebody's life. So we are always there. Thank you, madam. Thank you, Meena ji. Thanks. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. एकता जी आपने हैंड रेस किया, बताएं आप. मेरा नाम सर अनाउंस हुआ था पहले ना, मैं थी नहीं तब. नहीं, एकता जी का नाम अनाउंस नहीं हुआ अभी. अच्छा ठीक है सर, चिंता मत करो बेटा, आपको छोड़ेंगे नहीं. आपका नाम आपको देखिए बुला के दे देंगे आपको. क्यूरियोसिटी हो रही है ना, मैं सर क्यूरियोसिटी हो रही है. अब अभी आने वाला आपका आने वाला है. प्राक्रम सिंह जी आप हो यहाँ पे? प्राक्रम जी, प्राक्रम जी, आई हैव सीन प्राक्रम जी, आई एम नॉट श्योर अभी यहाँ पे है या नहीं इस टाइम पे, बट प्राक्रम जी इन्होंने काफी समय से ये इस क्षेत्र में है जहाँ वास्तु सीख रहे हैं, और इन्होंने भी कई मंचों से वास्तु सीखा, उसके बाद यहाँ से हमारे से कनेक्ट हुए. आने के बाद इनका भी यही क्वेश्चन था कि क्या कुछ वैल्यू एडिशन होगा, और इन्होंने पहले B2A का कोर्स किया, फिर A2A का कोर्स किया. B2A के कोर्स में इनको लगा कि बहुत वैल्यू एडिशन है, तो इन्होंने बाद में A2A के लिए मेरे को बोला, और इन्होंने बाद में ये भी बोला सर मुझे B2A रिपीट भी करना है दोबारा से. मतलब इन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ था, फिर B2A को रिपीट करने के लिए भी इन्होंने बोला, विच वी अदरवाइज गिव कॉम्प्लीमेंट्री. तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एनरोल किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज उसको आके दोबारा सीखते भी हैं, बिकॉज ही फील दैट एवरी टाइम लाइक ए बुक रीडिंग. When we read a book, every time we get something new input, some new insights we get it. In a similar fashion, he always feel that whenever he repeat a class, he gets some new insights of it. और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बसती है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं बस पाती हैं, वो स्किप हो जाती हैं. Always repetition of subject gives us new insights of it. And that is a quality Prakram Singh carries. कि हमेशा कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस करते रहते हैं अपने जीवन में, कुछ न्यू इंसाइट्स को लेते रहते हैं और लगे रहते हैं. और वास्तु के ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करते हैं, इस टाइम पे इन्होंने कोई केस स्टडीज भी करते हैं, केसेस भी कर रहे हैं ये. इनको बहुत बहुत मुबारकबाद नई अपनी इस अपने नए इस कार्यक्रम में, नए इस व्यवसाय में, जहाँ पे ये वास्तु के कोर्सेज, वास्तु के नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नए केसेस कर रहे हैं. और कभी भी इनको कोई किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे ये को लगता है कि हमारे हमसे कनेक्ट करना है, दे आर ऑलवेज वेलकम, दे कैन कनेक्ट अस, एंड वी आर वेरी फील वेरी गुड टू हेल्प टू सपोर्ट देम. थैंक यू विशाल प्राक्रम सिंह जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद. विशाल जी आर यू देयर? विशाल जी ने हैंड रेज किया. जी विशाल जी, ग्रेट, गुड टू सी यू विशाल जी. आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है विशाल जी. नहीं, बैकग्राउंड बंद है सर मेरा, कोई नहीं, अकेला ही हूं. अच्छा, तो किसी और का आ रहा है. एडमिन टू रिक्वेस्ट टू कंट्रोल बैकग्राउंड वॉइसेस. राइट, विशाल जी एक बहुत बढ़िया, मतलब वास्तु के आने वाले टाइम में आई कैन टेल यू शी ही इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन वास्तु, इज अ वेरी गुड वास्तु शास्त्री, वेरी गुड वास्तु एक्सपर्ट, मास्टर इन द फील्ड ऑफ वास्तु, बिकॉज ये वास्तु को पकड़ के चल रहे हैं, शुरू से जड़ से पकड़ के चलते हैं. ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पे सीखा और किया कर छोड़ दिया. और नॉट ओनली वास्तु, ही इज वर्किंग ऑन अदर सब्जेक्ट आल्सो, अदर मॉडलिटीज आल्सो, लाइक टैरो के ऊपर ये रोज एक कार्ड निकालते हैं, रोज प्रेडिक्शन करते हैं टैरो पे, अदर क्रिस्टल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आई थिंक सो, अगर क्रिस्टल क्लास में है, आई एम नॉट वेरी श्योर क्रिस्टल्स. नहीं, क्रिस्टल पे नहीं है, तो टैरो पे तो मैंने आपको देखा है, टैरो पे आपको मैंने, ठीक है. लेकिन वास्तु के माध्यम में, वास्तु के काम में इनका, इन्होंने अपने आप को ये वास्तु के मतलब इट्स लाइक अपनी टीम को वास्तु की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये लोग दूसरे की हेल्प कर सके, दूसरों के लिए काम कर सके और प्रोजेक्ट्स कर सके, केसेस कर सके. ये उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे अपनाते हुए जैसे एक विद्या को अपनाया, उस विद्या के माध्यम से दूसरों को हेल्प किया, कुछ अपने लिए भी अर्न किया. और जैसे अर्जुन सर ने शुरुआत में बोला था
कि जब हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं उसमें कुछ अर्निंग हमारे को चाहिए होती है अपने अपने सिस्टम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये उसी फिलॉसफी चल रहे हैं, हेल्प पीपल अर्न सम एंड गेट वैल्यू एड टू देयर लाइफ ऑल्सो, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करें, उसके माध्यम से खुद भी अर्न करें वो भी अर्न करें, इसी माध्यम से इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद इनको वास्तु की 2 महीने की एडवांस वास्तु की 2 महीने की जर्नी कंप्लीशन के लिए। और विशाल जी आप लगे रहें, आप करते रहें, आप बहुत अच्छा वास्तु करेंगे आप। मतलब आई कैन सी ऑन योर फेस दी पावर दैट यू आर कैरिंग, बट सम रीजन वो बाहर नहीं आ रही है अभी, लेकिन दैट इनसाइट्स यू आर देयर राइट। तो आप वो चीज को लेके चल रहे हो, मैं आपको बोलूंगा इस टाइम पे आप खुल के करें, आप बिंदास करें, आप बिना मतलब ये डर के बिना करें कि भाई व्हाट विल हैपन और व्हाट अदर्स टू से, मतलब इट्स लाइक समथिंग इफ एंड बट जो होते हैं दिमाग के किसी कोने में, उन इफ एंड बट को छोड़ दे तो आप बिंदास करें जो परीक्षण से। और मैं अपने खुद की सच्ची लगन सच्ची सूझबूझ से वो काम कर सकूं, और वही आपसे और सभी गुरुजनों से मेरे को आशीर्वाद चाहिए यही। बिल्कुल आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं विशाल जी, आप बेझिझक बेझिझक करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और आप बहुत बड़ा वास्तु शास्त्री बनेंगे आप। प्रार्थना है, ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी लगन ही जैसे राजीव जी ने कहा है, लगन आपके चेहरे पर देख रही है, आप जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं इन्वॉल्व रहते हैं वो शो करता है कि बहुत आगे ले जाएंगे, ले जाएगी ये विद्या आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी, आपकी आवाज कट गई थी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज कट रही थी बीच में। नहीं मैं वही चाहता हूँ कि मैं सुधबुद्ध से और सच्ची लगन से काम कर सकूं, और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए ये प्रार्थना है। बिल्कुल हमेशा आपके साथ है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। नेक्स्ट इज श्रीपाल जी, आई थिंक श्रीपाल जी नहीं है अभी, रेखा वाधवा जी आप हैं यहाँ पे, रेखा जी, रेखा वाधवा जी, आई थिंक अभी रेखा वाधवा जी शायद अभी नहीं है लग रहा है। अर्चना सामंत जी मैडम आप हो यहाँ पे? हियर, यस यू आर हियर, यस। सबसे जी थोड़ा बात क्या, पूरा बात करेंगे मैडम आपसे हम, आप सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारी इस संस्था की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट है आप। और अर्चना सामंत जी ऑलरेडी एक प्रैक्टिस को कर रही हैं, काफी लंबे समय से कर रही हैं, नेचुरोपैथी की इनको अच्छी ज्ञान है, अच्छा काम करती हैं उनके ऊपर ये, आई थिंक शायद आई एम नॉट श्योर, ये बताएंगे कि इन्होंने शायद डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर रखी है राइट, एंड शी इज अ वेल प्रैक्टिशनर ऑन दिस सब्जेक्ट इन स्पाइट ऑफ कैरिंग ऑल गुड स्टडीज ऑल गुड नॉलेज विद हर, उसके बावजूद हमारे साथ ये कनेक्ट है और आज इस स्टेज पे हमसे सीखने की प्रयत्न कर रही है, लगातार हमसे सीख रही है, जिसको जो कि जिनको कि इनसे सीखना चाहिए उनसे वो हमसे सीख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इनसे सीखनी चाहिए चीजें और ये हमसे आज सीख रहे हैं, इट्स लाइक ब्लेसिंग्स टू अस। और ये सीखने सिखाने का कार्यक्रम ऐसा चलता रहेगा, कुछ हम आपसे सीखेंगे कुछ हम आपको बता देंगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा ऐसे। और आपका इस मंच से जुड़ने के लिए, इस अकाडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस 2 महीने की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू अर्चना मैडम, और आप कुछ कहना चाहें तो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच सर, पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू पर्सनली आचार्य गोयर फैमिली, आपकी बेटी मैडम ये सब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया है। दूसरी बात यह है कि आपके जो, कैन यू हियर मी? जी जी जी, वी कैन हियर यू, प्लीज। आपकी जो इंस्टीट्यूट है अकल साइंस, ये एक बून है हमारे लिए और सब स्टूडेंट्स के लिए, इट इज वेरी गुड यार। दूसरी बात है कि आपकी पूरी फैकल्टी इतनी नॉलेजेबल है, एम्पैथेटिक है, हम्बल है, बहुत, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। तीसरी बात, एक मिनट आप म्यूट हो गए मैडम, आप एक बार म्यूट करें अपने आप को।
Yes, you are on mute now. Yes. दूसरी बात है, I have undergone many courses since last 25 years. I am right now, I am 74 years. I work in government sector. I was a nursing. जी जी. I worked 27 years in state government, Maharashtra government. I used to teach psychiatric and psychiatric nursing. I am a psychotherapist, psychiatric rehabilitator, Ayurved Visharad, naturopathist and alternative medicine में मैंने MD किया है. I do practice flower remedy also. I am child geriatric and adult and drug addiction. इसके लिए भी मैं counseling करती हूँ. I use NLP, body language, everything I can use in professionally. And I am a teacher also. Besides that, ये जो है इसके रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ. करुणा रेकी, रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, ये जिबू सिंबल करती हूँ. ये सभी बातें मैं करती हूँ. अभी ये लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, तो भी मैंने आपके पास जो कोर्स किया है इसमें बहुत एडिशन हो गया है. और के वास्तु का जो कोर्स है उसमें तो मुझे बहुत एडिशनल मिला है. आपका जो मेडिकल मेडिकल वास्तु जो है इसमें मैं बहुत सारी पढ़ी हूँ और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई सर आप लोगों से. और मैं ऐसा लगता है कि मुझे कितना करूं कितना नहीं करूं. मैं क्रिस्टल का भी यूज करती हूँ सिंस लास्ट 25 इयर्स. आई हैव डन कंप्लीटेड नियर अवर 500 फैमिलीज वास्तु कंसल्टेंसी. आई डू टीच वास्तु आल्सो. तो ये सब मुझे इतना आपसे मिलके. और ये लामा फेरा मैं सीखी नहीं थी. लामा फेरा और टैरो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन शिल्पा मैम से बहुत अच्छा एडिशन मुझे मिल गया है. आपने इतनी अच्छी चुन चुन के फैकल्टी लाई है कि बहुत मैं खुश हो गई हूँ. और एक्चुअली मुझे थोड़ा लंबर में प्रॉब्लम था, तो भी आई कुड एबल टू सीट एंड लिसन एंड स्टडी द मैटर, स्टडी द सब्जेक्ट. दैट इज द ग्रेस ऑफ ऑल ऑफ यू एंड योर एनर्जी एंड सिनर्जी आई गॉट इट फ्रॉम यू पीपल. सो योर इंस्टीट्यूट इज रियली वंडरफुल इंस्टीट्यूट फॉर द टीचिंग एंड फॉर एडिंग नॉलेज एंड एवरीथिंग फॉर दिस. सो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू अर्चना मैडम. मतलब हम we all are very blessed that the kind of personality is connected with us, the kind of the ladies connecting with us, जिनके पास इतना experience है जीवन का, इतनी सारी विद्याओं पे कमांड है, इतने सारे subjects को जानती हैं, पढ़ती हैं. हमें भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता रहता है बीच बीच में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे सब इस academy से जुड़ने का और हमें चांस देने का कि हम आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर सकें और आप उनके ऊपर कुछ ज्ञान हासिल कर सकें इस जीवन में. ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको कुछ बता पाए. थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अर्चना जी सबसे पहले प्रणाम आपको. मैं आपके मेरी नजर आपको खोज रही थी पिछली बार भी जब मैं आया था और आपका जो व्यक्तित्व देख के मुझे लगता था कि मैं ही सीनियर मोस्ट यहाँ इस मंच पर हूँ, जबकि 72 और उसको उल्टा करके मैं कहता था कि मैं जूनियर मोस्ट हूँ, 27 का हूँ. अगर आपको मैं उल्टा भी कर दूं एज को तब भी आप हमसे बड़े हैं. इस लिहाज से प्रणाम और आपकी विद्वता को प्रणाम. और आपकी जो ये सीखने की प्रवृत्ति है ये हमें ले जाती है वेद में. वेद के श्लोक ऋचा कहते हैं उसको, श्लोक नहीं कहते हैं. वेद में जो श्लोक आया तो उसको कहते हैं ऋचा. एक ऋचा में आई है कि आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः. मतलब विश्व के चारों तरफ से जो भी अच्छे ज्ञान सद्ज्ञान आए उसको हम ग्रहण करने के लिए तैयार रहें. तो आपके व्यक्तित्व को देख के वही लगता है कि आपने जो सीखा है, जो तपस्या आपने की है सब विधाओं को लेके. और यही एक चीज जो मैं आजकल अपने ट्रेनिंग कोर्सेज में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज में कहता हूँ कि देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग. सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं होती है, उम्र बंधन नहीं है. तीन ही चीज है इसके लिए, सीखने की इच्छा और अपने दिमाग को खोल के रखिए, कान को खोल के रखिए, आंख को खोल के रखिए, एंड यू विल बी अ ग्रेट लर्नर किसी भी एज. तो वो आप प्रूव कर रही हैं. आपके व्यक्तित्व को फिर से एक बार प्रणाम. थैंक यू वेरी मच सर. इसके वजह से हम क्या करते हैं, अल्जोमर्स डिसीज, डिमेंशिया, ये भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना. जी थैंक यू. थैंक यू अर्जुन सर, थैंक यू अर्चना मैडम, थैंक यू.
आप अर्चना मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नेक्स्ट जितिन कपूर जी, जितिन जी हैं क्या? जितिन कपूर जी, जितिन जी आर यू देयर? आई थिंक जितिन कपूर जी नहीं है आज, आप आए। हेमलता जी, मैंने हेमलता जी को तो देखा था। हेमलता जी प्लीज रेज योर हैंड। हेमलता जी, हेमलता जी कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। हेमलता जी यहाँ पे है, उनका वीडियो ऑफ है, उन्होंने अब हैंड रेज किया। हेमलता जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हेमलता जी पेशे से डॉक्टर है एंड शी हैव हर ओन एक क्लिनिक या हॉस्पिटल फरीदाबाद जोन में ये रहते हैं, वहाँ पे उनका अपना एक फरीदाबाद से आगे एक जगह है बल्लभगढ़, राइट? तो वहाँ पे इनका अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल है। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, दोनों व्यस्त हैं, दोनों का प्रोग्राम व्यस्त रहता है। डॉक्टर की जिंदगी तो वैसे ही बहुत व्यस्त रहती है, उस पूरी व्यस्त कार्यक्रम के बाद, उस पूरी व्यस्त लाइफ के बाद बच्चे भी हैं, घर है, परिवार है और प्रैक्टिस भी कर रही है, इन सब चीज़ों के बावजूद ये इतना टाइम निकाल पाए कि इन्होंने वास्तु की जर्नी सीखी, वास्तु का जर्नी कंप्लीट किया, पहले बी टू ए भी किया, ए टू ए भी किया। और मजे की बात ये कि हेमलता जी ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी हैं, उसके बाद भी इनको ये हमारे साथ कनेक्टेड है, तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज शायद हम इनके लिए कर पाए जो वैल्यू एडिशन की लाइफ में दे पाए या कर पाए, जिससे ये आज हमारे साथ ये हमेशा कनेक्टेड रहती है। तो इसका इनका बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हेमलता जी इस पूरी जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए। सक्सेसफुली आपने इसको अच्छे से अडॉप्ट किया और आई एम वेरी श्योर जो मेडिकल वास्तु आपने सीखा, मेडिकल वास्तु आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, क्योंकि आप डॉक्टर हो पेशे से भी, और आपको शायद हमसे जल्दी समझ में आएगा मेडिकल वास्तु, हम तो पढ़ा पाए, आप उसको अडॉप्ट कर पाओगे, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आप। तो बहुत बहुत सर, बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद चाहिए हर चीज के लिए, मतलब गुरुजन का आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए, और आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया सारी चीजें, जो चीज थी वो सारी चीजें पॉसिबल सिर्फ आप लोग की वजह से हो पाया। इंटरेस्ट बहुत अच्छा बना, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी, जो वास्तु की जर्नी रही, जो बेसिक कोर्स था, फिर उसके बाद एडवांस था, फिर मैंने बेसिक भी रिपीट किया था, तो जो जर्नी थी वो बहुत ही मजेदार थी, बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनता चला गया। न्यूमरोलॉजी क्योंकि मैं पहले से प्रैक्टिस कर रही थी, तो वास्तु को सीखना वहां से फाइव एलिमेंट थ्योरी के थ्रू वो इजी होता चला गया, और उससे इंटरेस्ट बन गया, और इंटरेस्ट आपने और ज्यादा बढ़ा दिया सर उसको। और जो एक पॉजिटिव चेंज मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो मेरा हुआ और स्कैनर में, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एनर्जी चेक कराई थी तो मेरी थी 10-15% ऑलमोस्ट, और अभी जो अभी लास्ट टाइम हमने एनर्जी चेक करी थी उसमें 75% के अप्रॉक्स थी, है ना? तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस थे वो सब आपकी वजह से थी। कुछ चीजों में जो मैंने चेंज महसूस किया, वास्तु की मुझे पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैंने डिफरेंट चीजें की हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, बट वास्तु आपसे किया था, तो उनमें से वास्तु का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था मेरा पहले, वास्तु की जब नॉलेज मुझे आपसे मिली तो मैंने, क्योंकि आप जैसा बोलते हो कि उसकी कोई खास रेमेडी नहीं होती, अच्छा यही होता है कि उसको अगर हम तोड़वा दें, तो उसको जब हमने हटवाया तो उसके बाद काफी सारी चीजें पॉजिटिव हुई, जैसा ऑरा स्कैनर में कुछ चीजें पॉजिटिव आ गई, और एक आपका जो सॉल्ट बाथ वाला प्रोसीजर होता है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, मतलब शायद जब उस प्रोसीजर को मैं कर रही थी तब इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद महसूस हुआ कि कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव वे में गई, मतलब जब मैं कर रही थी तब मुझे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हो रहा था, आपने पूछा भी था कुछ पॉजिटिव लग रहा है, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, बहुत ज्यादा हल्का नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में चीजों को जब मैं देखती हूँ कि पहले और अब का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो सर मैं यही चाहूंगी कि आपके साथ साथ बना रहे मेरा, मैं चाहती तो सारे कोर्स एक साथ करना हूँ पर ड्यूटी शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कर नहीं पाती, तो इसलिए एक एक करके सारे कोर्सेज की तरफ मैं जा रही हूँ। टैरो और वास्तु मेरा चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी अभी मेरे को करना है क्योंकि मैंने पूनम मैम से बोला भी था एनरोल करने के लिए, तो होपफुली अभी एस्ट्रो की क्लासेस में मिलेंगे जो एडवांस क्लासेस हैं उसमें। थैंक यू सर, और थैंक यू गॉड आपसे मिलाने के लिए, अचानक मैं आपसे मिल गई, किसी और की क्लास के थ्रू मैं आपसे मिली, मतलब शायद मैं वैसे पता नहीं मिल पाती या नहीं मिल पाती, और पता नहीं भगवान ने चाहा था कुछ पॉजिटिव होना तो इसलिए मैं आपसे मिल पाई। थैंक यू सर। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अच्छे अच्छी सोल्स जो है हमेशा कनेक्ट हो जाते हैं, ये यूनिवर्स का रूल है, जब सोल्स का इंटेंट ठीक होता है वो सोल्स आपस में कनेक्ट किसी न किसी माध्यम से यूनिवर्स उन्हें करवा देता है, तो ये वही माध्यम थे जिनके वजह से आप हमसे और हम आपसे कनेक्ट हुए और हम एक जर्नी में इकट्ठे आगे बढ़े। तो थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू द गॉड फॉर एक्चुअली डेवलपिंग ऑल दिस वर्क फॉर अस। ये पूरी एकेडमी की संस्था, इसकी स्थापना ही आप सबके माध्यम से और इस यूनिवर्स के आशीर्वाद से ही हो पाई है,
और मतलब ऑलवेज माई रिगार्ड टू दी टू यू ऑल माई पार्टिसिपेंट एंड माई हम्बल ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स दैट दे गिव अस टू डेवलप दिस यूनिवर्सिटी और दिस एकेडमी रादर आई वुड से। तो बस ये इसी तरीके से काम हो गया और हम सब इकट्ठे आगे बढ़ गए और चल रहे हैं और चलते रहेंगे और इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक पहल है, एक मिशन है जो सबके साथ करना है, सबके लिए करना है और सबके जगह जगह तक दूर दूर तक करना है, सबकी जिंदगियों में करना है। तो ये एक पहल और एक मिशन को स्टार्ट किया है ताकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ एक एडिशंस किया जाए, उसे कनेक्ट किया जाए, उसको अपनी वैदिक साइंस से कनेक्ट किया जाए ताकि वो अपने जीवन में कुछ नया कुछ बेहतर कर पाए। तो थैंक यू आपका। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि क्योंकि शायद क्लास में जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने तो देखा ही था मेडिकल एस्ट्रो वाला, लेकिन साउथ ईस्ट में टॉयलेट का सेप्टिक टैंक का आपने बताया था कि उसमें स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वाला बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस मेरा कि घर पे मेरे जो मायका है मतलब मेरी मम्मी वाला जो घर है वहां पर है, वहां पर साउथ ईस्ट में ही उनका टॉयलेट सेप्टिक टैंक और टैंक वाटर टैंक तीनों चीजें वो एक ही लाइन में है, और उनको मेरी मदर जो है उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था तो उनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया अब तो, लेकिन हाँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा जो फिट हुआ था ना वो सूत्र, तो वो तो बिल्कुल मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन टाइप था और मेरे लिए शॉकिंग भी था। मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी से पता था कि ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है तो शायद यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, पर वास्तु से मेडिकली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा वो मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। तो देट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, उसके लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि वास्तु एक्चुअली कोई भी साइंस आई वुड से कि सारी साइंसेस डीप तक जाती हैं और प्रॉब्लम की जड़ तक जाके उसका समाधान करती हैं, इसी तरह वास्तु भी एक साइंस जो डीप तक जड़ तक जाती है, बस दिक्कत यहाँ पे यही आ जाती है कि हम लोग उसको सीख नहीं पाते क्योंकि मार्केट कॉमर्शियल इंटेंट डिफरेंट डिफरेंट रहता है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही कम लोग हैं जो शायद काम करते हैं या बता पाते हैं। तो हमने कोशिश करी, एक पहल थी, ये एक मिशन था, उसके अंतर्गत हमने कोशिश करी और आपने उसको अडॉप्ट किया, आपने उसको रिलेट किया और एक्सपीरियंस को शेयर किया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एक बार फिर मुबारकबाद, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विवेक पाटिल जी, विवेक जी आप यहाँ पे हैं, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड विवेक जी। यस विवेक जी, विवेक जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपको इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। विवेक जी के पास, विवेक जी साइंस बैकग्राउंड से है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से है और इनको मेडिकल वास्तु में बहुत मजा आया था, इनको काफी स्ट्रक्चरल नॉलेज है ह्यूमन बॉडी की और आई एम वेरी श्योर कि ये इस चीज इस विद्या को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और काफी काम भी करते हैं, इनको अदरवाइज ऑल्सो ही हैव अ वेरी साउंड नॉलेज ओवर द सब्जेक्ट ऑन वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी और ज्ञान बहुत रखते हैं। और इनकी एक आदत है, बड़ी अच्छी आदत है कि ये उस हर पॉइंट के ऊपर जहां कुछ वैल्यू एडिशन हो सकती है अपना ज्ञान शेयर करते हैं, मतलब कभी भी ये इस बात से नहीं हिच सकते कि मैं क्या बोलूंगा तो दूसरे को क्या फील होगा, पॉजिटिव स्पीकर है, ऑलवेज बी ए पॉजिटिव स्पीकर, व्हेन एवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू शेयर समथिंग गुड फॉर सम टॉपिक ही टॉक वेरी पॉजिटिवली वेरी डिसेंटली एंड शेयर हिज बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। बहुत अच्छा इनका बिहेवियर पैटर्न है, बहुत अच्छा इनका ये एटीट्यूड है, वी रियली अप्रिशिएट हिम एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए विवेक जी, थैंक यू सर। मैं भी सर आपका आभार सर आपको देना चाहता हूं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी कॉस्ट में सर कोर्स लाए और इतना पोलाइट नेचर है सर, इतना इंटरेक्टिव सेशन सर, बड़े बड़े सर है जो महंगे कोर्सेस में सर बिल्कुल भी इंटरेक्टिव सेशन नहीं रहते और एरोगेंस बहुत रहता मेंटर्स में, तो सर ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला सर, और आपका सर एटीट्यूड ऐसा था कि अभी नहीं पढ़ा, हम नेक्स्ट में पढ़ के बता दूंगा सर, नहीं तो सर उसका ईगो इतना हर्ट हो जाता मेंटर का कभी भी टीचर का कि वो आपको उल्टा डांट देता है, तो सर ये सब एटीट्यूड है सर, तो मुझे लगता सर ये अपना कोर्स नंबर वन बनेगा सर कुछ दिनों में। थैंक यू, आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप सब लोगों का साथ है तो जरूर हम नंबर वन पे आएंगे और हमारा मिशन भी यही है कि लेट्स ऐड वैल्यू इन द ह्यूमन लाइफ, दैट्स अ मिशन, दैट्स एक पहल एक मिशन। तो और आप सब लोगों के सपोर्ट के साथ साथ के साथ आप लोगों के कोलैबोरेशन के साथ हम जरूर इस एकेडमी को नंबर वन पे लेके जाएंगे और लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट
पूनम मिश्रा जी, पूनम मिश्रा जी यहाँ पे हैं? यस सर, यस सर। पूनम मिश्रा जी प्लीज रेज योर हैंड। ओके सर। पूनम जी क्योंकि मेरी स्क्रीन पे जब भी आप ऊपर आएंगे, यस पूनम जी आए आप। पूनम मिश्रा मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और पूनम मिश्रा जी मैडम अगेन एज लाइक आई सेड इट कि शी ऑलवेज ऑलरेडी कैरिंग लॉट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। उसके बाद इन्होंने कहीं कई जगह से इन्होंने ऑलरेडी सीखा है, उसमें से कुछ लोगों से जिनसे ये बात करते थे, नाम बताते थे, उनको मैं वैली बहुत पर्सनली जानता हूँ, बहुत लंबे समय से जानता हूँ। उस सब चीजों के बावजूद इन्होंने यहाँ पे जब ये स्टार्ट किया था, उन्होंने तब शुरुआत में यही देखा था कि क्या मैं यहाँ पे कुछ एड ऑन कर पाऊंगी लाइफ में, या सिर्फ ऐसे ही टाइम पास जैसे ये करते आए हैं वैसे ही है। तो इनको मैंने आश्वासन ये दिया था कि मैडम आप एक बार करो देखो, नहीं समझ में आया तो आपकी चॉइस होगी, इफ एनी टाइम यू फील लाइक नॉट गेटिंग एनी वैल्यू एडिशन यू कैन ऑलवेज बी क्विट। तो बट इनका सपोर्ट था, इनको अच्छा लगा था, तो ये आज कंटिन्यू किए इन्होंने। और इन्होंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों कंटिन्यू किया, दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने किया, और इन्होंने एक अच्छा अपने आप को स्टैंड किया। इन्होंने वो सारी खूबियां अपने में डेवलप करी जो किसी को हेल्प करने के लिए चाहिए, किसी एक वास्तु को प्रोफेशनल को चाहिए, किसी एक एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल को चाहिए। इन्होंने वो सारी चीजें अपने में डेवलप करी। इन स्पाइट ऑफ ऑल गुड टाइम कंजम्पशन इन टू द हाउस होल्ड एक्टिविटी शी एबल टू मेक आउट वेरी वेल गुड टाइम नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी वास्तु, रैदर इन्होंने अकेडमी के जितने भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज को ज्वाइन करके, आई थिंक अकेडमी की शायद इस टाइम में 11 क्लासेस थी, उन्होंने 10 या 11 क्लासेस सब में एनरोलमेंट किया, सारी क्लासेस को एनरोल करके सारी विद्याओं पे काम करती हैं। हीलिंग है, हीलिंग की मोडलिटीज, टैरो क्रिस्टल्स, रिक्की, लामा फिरा, सारी मोडलिटीज के ऊपर ये आज काम कर रही हैं, सीख रही हैं, समझ रही हैं, और अपने आप को एक पूर्णता रूप से एक सक्षम बना रही हैं ताकि ये आगे इस फील्ड में, आगे इस ऑकल्ट के अंदर एक अच्छा अपने लिए स्टैंडिंग बना सके, लोगों के लिए हेल्प कर सके, लोगों के जीवन में कुछ नया ला सके। तो आपको इस एडवांस वास्तु की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पूनम जी, और आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही आप करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है ये, वेरी ग्राउंडेड, वेरी कूल, वेरी काम, ऑलवेज बी हेल्पिंग नेचर और ऑलवेज बी स्माइलिंग नेचर। थैंक यू पूनम जी, एंड आप कुछ बोलना चाहें? सर थैंक यू सर, आपके ये इतने अच्छे शब्दों से आपने मुझे प्रोत्साहित किया, थैंक यू सर। तो मैं आपके लिए यही बोलूं कि गुरु गुरु को पारस जाने, करे लोहो को स्वर्ण, तो आपने हम लोग को स्वर्ण बना रहे हैं आप सर। और सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है, सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप, जब सूचना नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप। तो सर मुझे यही कहना है कि आपने हमेशा हमारे राहों को सरल बनाया है। ऐसे तो मैंने लास्ट ईयर से बहुत सारे कोर्स किए सर, और मतलब वही एक मतलब वो टीचर ने बस अपने काम को पूरा किया है, 15 दिन 20 दिन का जो व्हाट्सएप कोर्स या जूम में 2 घंटे का जो, लेकिन आपने हम लोगों को पूरा अपना टाइम दिया है सर। लोग वीकेंड पे ज्यादातर मैंने देखा है जेंट्स लोग आराम करना चाहते हैं या वीकेंड है बस बात खत्म, लेकिन आपने पूरा वीकेंड सुबह से शाम तक, सैटरडे संडे रात तक हम लोग को दिया है, कभी ये सोचा नहीं कि मेरा वीकेंड है मुझे भी, तो वो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सर। आप हम लोग के लिए एक मतलब एक मार्गदर्शन है सर। सो सर थैंक यू वेरी मच आपके हर सपोर्ट के लिए, और आप जो अपने स्टूडेंट को इतना बढ़ावा देते हैं और इतना बात कन्वोकेशन देते वक्त इतना अच्छी बात बोलते हैं सर, उसी से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं सर। मैं और आगे भी आपके साथ रहूंगी और बढ़ते रहूंगी बस सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू पूनम जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और यस आप जरूर बढ़ते रहे, जरूर आगे करते रहे अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने सभी सभी जान पहचान के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आप करते रहो, जहां भी जब भी कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ी वी आर ऑलवेज अवेलेबल सर। और पूनम मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप गोयल परिवार को धन्यवाद जो हम लोग को हमेशा कोई भी समय पे इतने खुशी से अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। एंड यस पूनम जी का इसमें बहुत योगदान रहता है हमेशा, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि पिक्चर को एक किसी भी मूवी को बनाने के लिए और दिखाने के लिए उसके बैकग्राउंड की जो टीम होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि बैकग्राउंड अगर नहीं अच्छा होता, नहीं अगर उसने सेटअप नहीं किए होते तो पिक्चर कितनी भी अच्छा एक्टर हो वो एक्टर परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। तो दैट इज वेयर पूनम जी वर्क करती हैं, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इतना
तो अच्छे से देखती है, कारोबार को संभालती है कि उसके वजह से इस प्लेटफॉर्म को रन कर पाते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट दैट इजी टू रन दिस एकेडमी अगर वो बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलती है। तो यस ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू हर एंड डूइंग दैट बिग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो थैंक यू आपके लिए भी कि आपने दो शब्द उनके लिए बोले, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कमलजीत जी, इफ कमलजीत जी यहाँ पे हैं क्या? आई थिंक कमलजीत जी यहाँ पे हैं, and if she can raise her hand, Kamaljeet ji, if she can raise her hand, admin, I request to search and put on spotlight Kamaljeet ji. You can check it in while. Okay, aap check kar le admin, in while. Kavita ji, Kavita ji yahan pe hain? Kavita ji I think yahan pe nahi hai. Kavita ji at such a small age, she learned vastu and implemented vastu in her house. Matlab abhi she is a very young girl aur itni kam umar mein vastu ko seekhni hai aur ye dedication ke sath inhone apne ghar mein implement kiya, qabil e tareef hai, bahut bahut shubhkamnaen unko aur aage aise hi badhte rahe, aise hi aage jeevan mein grow kare, kabhi jo to hamari koi jo hat kar sake, she is always welcome. Raghunath ji, रघुनाथ जी नहीं है, अर्जुन जासर, अर्जुन जासर के लिए तो हम क्या बोले, अर्जुन जासर तो हमारे भी मेंटर है, लाइक इनकी छत्र छाया के अंदर तो हम भी ग्रो कर रहे हैं फर्दर, जरूर हमने कुछ कुछ विद्या हासिल करने का कोशिश किया और कुछ मिला तो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अर्जुन सर के साथ तो हम कनेक्टेड होके हम भी बहुत सारा बहुत ज्यादा ब्लेस समझते हैं अपने आप को कि अर्जुन सर की एक कनेक्टिविटी हमें मिली, उनकी छत्र छाया हमें मिली। धन्यवाद अर्जुन सर, आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका एकेडमी को प्रोत्साहन देने के लिए, हमको प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हमेशा आपका ऐसे ही साथ बना रहे, हमेशा ही आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स बनी रहे और यस इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्जुन सर जी। बताएं अर्जुन सर, आप म्यूट अनम्यूट कर रहे आपको क्लास में, हम आपके साथ जी जी यू आर ऑडिबल, हाँ क्लास में हम आपके साथ सबके साथ सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं राजीव जी जो भी कहें हमारे लिए, लेकिन हम आपके साथ सहपाठी हैं। ठीक है, आपका बड़प्पन है सर, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है जी, वही है कि विद्या कहां जहां से भी उपलब्ध हो लेते चलें और लेते चलें। थैंक यू अर्जुन सर, थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। नेक्स्ट इज रवीश चड्डा जी, आई थिंक रवीश जी नहीं है, मोहित गर्ग जी, आई थिंक मोहित गर्ग जी भी नहीं है। रवीश चड्डा जी और मोहित गर्ग जी ने दोनों ने काफी अच्छा सीखा और मोहित जी तो प्रोफेशनली इसको करते भी हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनका अपना जिम है, उसके साथ साथ ही प्रैक्टिस भी करते हैं। मोहित जी को, रवीश चड्डा जी को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मोहित जी आप इसको आगे करते रहें, जहां जो सपोर्ट की जरूरत पड़े तो यू आर ऑलवेज वेलकम। गंगाधर जी, गंगाधर जी भी नहीं है, गंगाधर जी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इतना ज्ञान कैरी कर रहे हैं जगह जगह से, उसके बाद भी आप हमारे साथ भी कनेक्टेड हैं तो जरूर हमने कुछ आपके जीवन में वैल्यू एडिशन कोशिश की होगी, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अमुदा मैडम, अमुदा जी प्लीज रेज योर हैंड, अमुदा जी तो यहाँ पे हैं, आई हैव सीन हर, अमुदा जी कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, या रेज योर हैंड एंड आई ओपन, यस यू आर ओपन नाउ, सो यू आर ऑन स्पॉटलाइट। अमुदा जी के, अमुदा जी शी इज सो डेडिकेटेड, सो कूल, काम पर्सनैलिटी, वेरी फर्म एंड वेरी डेडिकेटेड। और अमुदा जी साउथ से, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, हम ज्यादातर हिंदी में ही बहुत बोलते हैं, वो इंग्लिश में हमें रिप्लाई करते हैं, जो हमें समझ में आता है वो फिर इनको बता देते हैं, मतलब इट्स लाइक इनके साथ इन्होंने जो इतने लंबे समय की जर्नी करी हमारे साथ, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु किया, प्लस इन्होंने अदर मॉडलिटीज के ऊपर कर रहे हैं ये,
बड़ा इनके साथ अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है जब ये होती है, तो ऐसा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई एक कनेक्टेड आदमी जो कनेक्टेड परिवार का सदस्य है। जब ये नहीं होते किसी सब्जेक्ट के ऊपर तो उस टाइम एक मिसिंग लगता है कि अमुदा जी कहाँ है। तो आई समटाइम आई ऑलवेज आस्क कि अमुदा जी नहीं आज बैच में आए, क्या हुआ? तो व्हेनेवर शी इज नॉट देयर इट्स गिव सम काइंड ऑफ फीलिंग दैट मिसिंग हर टू दैट काइंड ऑफ ऑरा शी इज कैरिंग। तो ऐसा ऑरा कैरी करना अपने आप में बड़ी बात है कि एक प्रभावशाली ऑरा कैरी करना। तो इतना प्रभावशाली ऑरा ये कैरी करती हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। बहुत ही अमुदा जी प्रोफेशन टीचर हैं, बीइंग टीचर, तो इनको टीचिंग की तो क्वालिटी इनकी वैसी अमुदा जी जैसी है। अमुदा मतलब एक ऑरा कैरी कर रही है, एक क्वालिटी कैरी कर रही है टीचिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि जिस भी चीज को ये सीख रही है उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आ रही है एंड देन शी इज शेयरिंग दी आउटकम ऑफ इट। जो इन्होंने महसूस किया, जैसा इन्होंने महसूस किया, जो भी पद्धति सीखी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो वास्तु की हो, चाहे अदर मॉडलिटीज के अंदर हो, इन अपना एक्सपीरियंस इमीडिएट शेयर करती हैं ये। और इनको बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी इन्होंने शेयर किए हैं जो इन्होंने महसूस किए अपनी लाइफ के अंदर। बट शेयरिंग एंड यू नो अपफ्रंट बात करना इनकी एक आदत है, अपफ्रंट बात करती हैं और एक अच्छा बात करती हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, बड़ा मजा आया इनके साथ 2 महीने की इस जर्नी के अंदर एडवांस वास्तु की। अर्बुदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए, इस अकेडमी से कनेक्ट होने के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपने अष्ट वास्तु की 2 महीने की जनवरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, आप कुछ कहना चाहें? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग टीम एंड एवरीबडी सो अमेजिंग। And the courses, I mean, I'm really surprised. I thought you just started with astrology and then Vastu. Then you started getting people from other modalities. And now you're saying you'll be entering education and NLP also. So it's really great. I mean, this kind of platform is wonderful for people all over the country and all over the world. And as far as Vastu is concerned, I mean, your detailing is very great. It's Vastu is like, for example, if there's a rich family, the most important thing for them is diseases and power. So they go in for that kind of corrections. The normal people go in for other corrections and opportunities. So that's it's Vastu is not only for restricted only for a certain group of people. So I hope that all the people realize the power of Vastu and implement in their day-to-day life and improve their lifestyle and health and their relationships, everything. So it's a really great learning from you, sir, particularly. And as far as the affordability is concerned, I think you are like a beacon of light in the darkness, which is around this whole field of online education. So I'm sure you're going to go forward further in a long, long way. And there are many more people I'm sure will be added up. And I from my side, I can say that I'll be always there. Unfortunately, I was not there only for the Saturday morning classes because I'm working during that period. Otherwise, I would have joined that also. Anyways, so and thank you to all the participants. And I have learned a lot from them also. And Archana madam, when she was telling, she has done so much. I mean, I'm really surprised. Like at this age, she did so much. So I would like to thank her. And I would like to tell that she is a model for all of us. Yeah. Thank you, if Archana madam is there. And Sunita madam also. Sometimes, you know, we hesitate to ask certain questions. Sunita madam, she asks. So my doubt is cleared at that time. So thank you so much, madam. Thank you, everybody. Thank you very much. And I would further say, about other faculties in the afternoon coming sessions. I don't want to finish off everything now. Thank you, sir. Thank you very thank much. You, thank you. Thank you very thank much, you. Ma'am. Thank you. Very thank much. You. And yes, she, one of the point, Mala, she said very correctly everything, but one of the point that I can again repeat here is that Vastu is actually meant for everybody. And at times, the
Vastu consultant go to the wealthy people and then they do a general corrections for the further wealthiness. They are already carrying that wealth. They are already, what is they needed? The health actually. And we from the health perspective, very few people able to work on this health perspective and the pinpoint the right area of concern. I think we're here at this course, be able to do that activity and do find out the medical vastu useful into the everybody's life. And which is very important in the coming days, which is very important in this scenario of the high pressure life, high committed life, जहाँ पे medical की problems बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन. Medical वास्तु अपने आप में एक पहल है, जैसे astrology में medical astrology होता है, but medical वास्तु अपने आप में एक पहल है ताकि हम अपने घर से भी medical issues को reduce कर सकें और उनपे control पा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें. Thank you मुदा मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, as I said it earlier also, you are already in teaching. So we are coming up with the teaching subject Vijay Academics. And whenever you, if you've been interested for the academics, you are always welcome and you can connect us. Right, thank you. And next is Aarti ji. Aarti ji, yahan pe hai, I think Aarti ji shayad nahi hai. Aarti ji, is there? Aarti ji, yahan pe hai aap? I think Aarti ji nahi hai yahan pe. All right. Deepak ji? Deepak ji, are you there? Yes, Deepak ji, he is here. Deepak ji. Deepak ji, Punjab se aate hain aur ek bahut hi young participant hai. Delhi, sir, Delhi, Delhi. Delhi, acha, Delhi aa gaye. Sir, Delhi se. Delhi aa gaye. Bahut hi young participant hai, bahut hi enthusiastic participant hai. Aur is field ko adopt karna chahte hain as a career. Deepak ji, aapka background voice bata raha hai. इस फील्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज ए कैरियर. दीपक जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत लगन से सीखते हैं, हर चीज में मेहनत करते हैं, हर चीज की बारीकी में जाते हैं और एक अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसको अपने जीवन में कैसे अडॉप्ट किया जाए. दीपक जी आपको इस जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको इस पूरे कोर्स को समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए. जहां सपोर्ट की जरूरत पड़े, यू आर ऑलवेज वेलकम. और इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करें, एज ए सिस्टम को अडॉप्ट करें और लोगों की एक चीज है, लोगों की हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प यूनिवर्स करेगा. हम अगर किसी से रुपया लिया तो कोशिश हमेशा रखो कि 100 रुपए वापस आए. जब हमारा इंटर्न 100 रुपए वापस देने का होगा, मालिक हमें 125 करके वापस कर देगा यूनिवर्स हमें. तो कभी भी 1 रुपए के 75 पैसे नहीं जाने चाहिए, 1 रुपए के प्लस जाने चाहिए. दैट यूनिवर्स विल गिव अस इन रिटर्न बैक टू अस. और आप जरूर करें, सामने वाले के लिए हेल्प करें, सपोर्ट करें दूसरी जिंदगी में और इस कैरियर को एज अडॉप्ट करें. यू आर ऑलवेज बी ग्रो इन योर लाइफ. वी विश यू एंड वी गिव यू ऑल काइंड ऑफ आवर साइड ब्लेसिंग्स टू यू दैट यू एबल टू ग्रो इन योर लाइफ. राइट, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कहना चाहेंगे? बैकग्राउंड नॉइज बहुत है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो आप बता सकते हैं आपकी नॉइज अभी नहीं आ रही है. हाँ सर, मैं ये कह चाहूंगा सर कि एक्चुअली मैं इस फील्ड से बिल्कुल नहीं है. मैं बिल्कुल, मैं अलग कहते प्योर बिजनेस फैमिली से. मेरे खानदान में शायद मैं पहला होऊंगा जो इस फील्ड के अंदर जिसने कुछ किया होगा. और वो भी अट्रैक्शन जो आपका एक लिंक मिला था, मुझे पता नहीं कहाँ से आया था, व्हाट्सएप पे, जिसके थ्रू सर मैंने ज्वाइन किया और इस कोर्सेज को मैंने किया और बहुत अच्छे से मेरे को नॉलेज मिली आपसे सर. जी जी, थैंक यू दीपक जी. बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू दीपक जी, थैंक यू. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ओके, नेक्स्ट इज सुनीता मैडम. सुनीता मैडम, यस यस यस, आई एम हियर एंड वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट. जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट 70 प्लस के होते हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये वो पिलर है, ये वो एक्सपीरियंस होल्डर छत्रियां हैं सारी सारी, जो हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं किसी न किसी जगह पे, हमें भी बताती हैं कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये लोग हमें से कनेक्ट होते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि यस, अगर इनके जीवन में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं तो हम शायद कुछ सही में कर पा रहे हैं. तो हमें भी मजा आता है, हमें भी अच्छा लगता है. सो सुनीता जी उन्हीं पिलर में से एक पिलर है, ठीक है. और आपको सुनीता मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए. सुनीता मैडम की खास बात, जैसे अभी अमुदा जी ने बोला
कि जब भी कोई टॉपिक चल रहा होता है जहां जो बात होती है इनको क्लियर नहीं होती, ये फटक से उस टॉपिक पे बोल देंगे, कभी नहीं सोचेंगे कि क्या कैसे है, फटक से उनको पिन पॉइंट करेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज दैट उसको अंडरस्टैंड भी उसी तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूछने के लिए पूछा। शी हैव अ कंसर्न, शी सेज द कंसर्न, एंड व्हेन द कंसर्न इज क्लियर शी से यस द कंसर्न इज क्लियर। अगर नहीं होता तो उसको दोबारा ही बोलते कि नहीं क्लियर हुआ मुझे अभी भी। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही बढ़िया, मजा आता है इनके साथ काम करने में। और सुनीता मैडम आपका जो एक्सपीरियंस आप कैरी कर रहे हो ऑलरेडी, इट्स अ वेरी वैल्यू एडिशन, और इस पूरी जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक्स वेरी मच, यू नो, एंड हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड एंड माय थैंक्स टू बोथ राजीव जी एंड पूनम जी, राजीव जी फॉर हैविंग, एंड ऑफ कोर्स द एंटायर बैच ऑफ माय फेलो स्टूडेंट्स I have been a party with in understanding and studying this subject. Rajiv ji, for having explained this complex and abstract subject so well that it was just like a cakewalk. I mean, and it was so, it appeared so effortless, you know, the way he explained it, making it appear so simple. Poonam ji, for providing such a lot of support, you know, she never ever got irritated. So many times I called her, ye Poonam ji, ye Poonam ji, ye, and she never ever got irritated. Thanks, I admire her for that. I mean, I don't have that kind of patience, honestly. Thank you so much. And, I also want to express my gratitude to the entire my classmates here, because you know, when you study alone is different, when you study in a group you learn a lot more, because everybody has a different insight into it and a different outlook, and they ask questions again which help to make things clear. Lastly, I want to express my gratitude and thanks to COVID-19. If it was not for COVID-19, I don't think online education would have come and spring-leaped like this. And I think it's because of that we got onto WhatsApp in such a big way, and I found this link and I joined. And now that I am part of this family, or at least I consider myself to be part of the AVNS family, I hope to stay with them. Thanks very much. Thank you, Sita Madam. Thank you. एंड बिल्कुल आपने बहुत ठीक बोला, COVID-19 के बहुत सारे दोष है, यस ऑब्वियसली उसके डिजीज लेवल और उसका जो उसकी वजह से जो लोगों को दिक्कतें पैदा हुई हैं जीवन में, और काफी सारे लोग नहीं भी हमारे साथ अब है, डेफिनेटली है। बट वन ऑफ द प्लस पॉइंट ये कि इसने हमें लर्निंग के नए तरीके बताए, लोगों से कनेक्ट करने के नए तरीके बताए, नई अपॉर्चुनिटीज खोली जीवन में, और जिन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट किया वो डेफिनेटली उस जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये COVID-19 पोस्ट एंड प्रायर एक प्रकार से जीवन ऐसा है जैसे शादी से पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन, चेंज वर्ल्ड। तो COVID-19 प्रायर टू COVID-19 इज ए बैचलर, आफ्टर द COVID-19 इज ए मैरिड लाइफ। तो दोज हु अडॉप्टेड मैरिड लाइफ वेरी वेल, दे विल डेफिनेटली प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, दैट्स हाउ द टू फेज ऑफ द लाइफ। सो वेरी वेल सेड सीता मैडम, आपने बहुत बढ़िया बोला, थैंक यू, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। थैंक्स वेरी मच। The next is Ekta madam, Ekta ji yahan pe hai, Ekta ji can you please raise your hand, Ekta madam can you raise your hand, yes Ekta ji matlab ek bilkul itni mature lady hai, ye itni grounded itni mature hai ki jis bhi baat ko bolte hai jis cheez ko baat karte hai itni samta se itni ease out karke baat karte hai, और इतने इनके शब्दों में गहराई होती है कि हर चीज को नाप तोल के एक तरीके से पेश करते हैं, और अपनी सारी ड्यूटीज को अपनी पूरी फैमिली को निभाते हुए, फैमिली ड्यूटीज को निभाते हुए, बच्चों की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना समय निकालते हैं पूरे सिस्टम से ताकि इस विद्या के साथ कनेक्टेड आए। और ये आज से कनेक्टेड नहीं है, शी इज ऑलरेडी डूइंग अ प्रैक्टिस ऑन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, एंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर शी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द न्यूमरोलॉजी, मतलब एक न्यूमरोलॉजी में इन्होंने इतनी सारी विद्याओं को सीखा है, इतने सारे कनेक्ट्स को सीखा है न्यूमरोलॉजी के अंदर, मतलब एक पूरी एक समय में न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी कंडक्ट कर चुकी हैं अपनी, ये एक अपना इंस्टीट्यूट चला चुकी है न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये।
तो इतनी सब चीजों के बाद भी, इतनी सारी चीजों को ये कैरी करने के बावजूद ये इस समय आज हमारे साथ कनेक्टेड है। वास्तु को देखिए, वास्तु सब्जेक्ट पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हुए और वास्तु की इस दो महीने की जनवरी को जर्नी को कंप्लीट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं हमारा ये यू आर ऑलरेडी सो एक्सपीरियंस टू अस दैट हमें ये बोलना कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं वो जमेगा नहीं, बट हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे ऑलवेज भी स्टैंडिंग विद यू कि आप जो भी काम करें वास्तु में न्यूमरोलॉजी के अंदर वी आर ऑलवेज स्टैंड विद यू राइट। एंड वास्तु के ये केसेस करते हैं, वास्तु के इन्होंने केसेस लैंड के केसेस किए, वास्तु के इन्होंने मकान के केसेस किए, अब बड़े अच्छे सक्षम तरीके से किए, बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ किए, आज भी ये कर रही हैं ये। तो दैट दी लेडी एक्चुअली परफॉर्मिंग सो गुड इन दी फील्ड ऑफ ऑकल्टिज्म, हैट्स ऑफ टू हर, इन स्पाइट ऑफ ऑल होम यू नो कमिटमेंट्स, डूइंग सो गुड इन दी ऑकल्ट, हैट्स ऑफ टू हर। एंड थैंक यू एकता जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ अकेडमी के साथ सपोर्ट अपना देते रहने के लिए और इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सर। आई वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टुवर्ड्स द अकेडमी। सर सबसे पहले तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं आपको और पूनम मैम को थैंक्स कहने के लिए। मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी आपके यहाँ एस्ट्रोलॉजी से, और एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर नहीं पाई और वास्तु में पता नहीं कैसे आ गई, जबकि आज वास्तु मुझे आता था। मैं वास्तु के केस भी करती हूँ, वास्तु की मैंने क्लासेस दी भी हैं और वास्तु के मैं ऑनलाइन भी केसेस करती हूँ। लेकिन सर जो आपका तरीका है, सर का जो तरीका है पढ़ाने का, वो ऐसा नहीं है कि वो अलग चीजें पढ़ाते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं। चीजें वही है, सब्जेक्ट में जो भी है कंटेंट्स सभी के साथ वही है जो मैंने 8 साल पहले भी सीखे थे, लेकिन जो सर का बताने का तरीका है उसने एक बिल्कुल माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया। सर ने स्पेशली जो हमें वास्तु देव के बारे में बताया, जो 32 देवता के बारे में बताया, 45 देवता के बारे में बताया, और जो स्पेशली एलिमेंट्स को उन्होंने कनेक्ट किया और हमारे मेडिकल वास्तु, ये सब चीजें जो नई उन्होंने एनहांस की हैं, वो चीजें कभी किसी ने डिस्क्राइब की ही नहीं, वो शायद हमें कभी किताबों में भी नहीं मिलेगी और गूगल पर भी नहीं मिली, हमने सर्च किया तब भी नहीं मिली। तो ये सब चीजें बिल्कुल नई है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं लॉ फील्ड से भी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो चीजों को गहराई से समझने का, गहराई में उतरने का मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सोच करके एस्ट्रोलॉजी में आई थी कि एस्ट्रोलॉजी समझेंगे तो थोड़ा सा जीवन को और बेहतर तरीके से बना सकेंगे, जीवन के लिए और अच्छे से हमें समझ में आ सकेगा। लेकिन अब जब करते करते वास्तु में आ गए और इतने सारे कोर्सेज और हैं, तो मन तो होता है कि सर के सारे कोर्स कर लें, इनके पास फैकल्टी इतनी ज्यादा है सब, लेकिन टाइम की भी शॉर्टेज है और कोई भी चीज अगर करनी है हमें तो परफेक्शन से करनी है, तो इसलिए मैं भी 1x1 लेकर के चल रही हूँ। और सर का हमें इसी तरह से, सर का, पूनम मैम का, इनकी पूरी फैमिली बहुत 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 धन्यवाद की पात्र है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एकता जी। और एकता जी के बाद न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी है, शी डिड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन न्यूमरोलॉजी, केसेस करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाया इन्होंने न्यूमरोलॉजी को। और न्यूमरोलॉजी के अभी जो नया सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली मैं ही करूंगा साथ में, बट मेरे साथ एकता जी उन्हें एज ए फैकल्टी कनेक्ट करेंगे, तो टुगेदर वी विल डू इट, न्यूमरोलॉजी का नया आने वाला सब्जेक्ट। एंड इसके बाद इनके माध्यम से आपको बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की वो सब नई चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद अभी भी न्यूमरोलॉजी में कहीं छुपी हुई हैं, तो वो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी को हम लेके आ रहे हैं और एकता जी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों को उस माध्यम से बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। हमारा एक प्रयास हमेशा ये रहता है कि जो भी पार्टिसिपेंट, जो लोग, जो हमारे कनेक्टेड लोग हैं, जो हमसे कनेक्टेड हमारे संबंध में लोग हैं, उन लोगों को एक मौका देने का, अगर वो लोग अपने लिए जीवन में कुछ अच्छा डेवलप कर पाते हैं, दूसरों के लिए जीवन में कुछ अच्छी वैल्यू एडिशन कर पाते हैं, तो हमारा एक प्रयास रहता है कि लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स बिल्ड टुगेदर, लेट्स क्रिएट वैल्यू एडिशन टुगेदर। तो हमारा एक प्रयास है, कंटिन्यूस प्रयास है, उस प्रयास के माध्यम से ही हम एक नया प्रयास जो हमने ये ऐड किया कि एकता जी न्यूमरोलॉजी के लिए या अदर फील्ड्स के लिए, ये कंटिन्यूस रहेगा। जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है जहां वो व्यक्ति कुछ वैल्यू एडिशन, द प्राइमरी कोर फैक्टर इज टू ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, जो ये चीज को पकड़ के चल सकता है और जो इस चीज को डिलीवर कर सकता है
we are available and we will, this platform is available, we will try and build the relationship with them. But the core motive is to add value in people's life. Add value. क्योंकि ये जो add value की पड़ता है ना, अगर ये नहीं किया तो selfish तो पूरा जगत है. The world is all about selfishness. The entire world is all about selfishness. अगर हम किसी के जीवन में value addition नहीं कर सकते तो universe हमारे जीवन में value addition क्यों करेगा? नहीं करेगा. अगर हम किसी के जीवन में value addition करेंगे, उसका result by result हमारे पास जो आएगा वो value addition के रूप में हमारे पास अपने आप आ जाएगा. If that is a philosophy, अगर इसके साथ connect करके कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट करना चाहेगा, सब्जेक्ट को कनेक्ट करना चाहेगा, तो यस वी आर अवेलेबल. हम कोशिश करेंगे, जरूर मौका देंगे, जरूर अवेलेबल रहेंगे उनके लिए. तो ये आज का जौहरी की जैसे एक पहचान होती है कि जौहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है, ऐसे ही ये आपका ग्रेटिट्यूड है सर, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने गुणों को पहचाना और मौका दे रहे हैं सब लोगों को आगे आने के लिए. सो थैंक्स ऑल सर. थैंक यू जी. थैंक यू एंड आपका बहुत बहुत शुभकामना एकता जी. एकता जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई हो, बहुत आशीर्वाद. सुनीता जी, बहुत एकता जी आप तो यहीं से हैं, एनसीआर से ही है ना? चलिए मिलने का भी मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लगा. ऐसे ही डेवलप करिए, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं और वही सारी विधाओं से और भी बढ़िए. आपकी जो भूख है तो उसको और यहाँ तृप्ति मिलेगी. सुनीता जी से एक मिनट मैं चैट करना चाहूंगा. हाँ बताइए जी. काफी दिनों से आपको देख रहा हूँ और जिस उम्र के जिस पड़ाव पर आप भी हैं, वैसे कहा जाता है कि औरत से, वुमेन से उसकी एज मत पूछो और आदमी से उसकी आमदनी मत पूछो. फिर भी मैं प्रश्न करता हूँ कि आपकी एक्चुअल एज क्या है? मेरी आपसे बड़ी हूँ. अच्छा वही इसीलिए तो पूछा. एंड मैं तो आई बीन रिटायर्ड फॉर सो मेनी इयर्स आल्सो. हैव यू क्रॉस 74? नो नॉट येट, बट कर लूंगी. ये लाइन इसीलिए मैंने शुरू में ऐड किया था. हाँ, वुमेन से उसकी एज पूछने की दृढ़ता मत करो. एनीवे नमस्कार है आपके इस जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है, सीखने की जो प्रवृत्ति है, उसको बहुत बहुत नमस्कार. जिस तरह से आप सीखती हैं, इन्वॉल्व होती हैं. और एक बार मैं अमुधा जी है या चली गई? अमुधा जी है अभी. अमुधा जी आप बैंगलोर से होती हैं? जी जी बैंगलोर से अमुधा जी है अभी यहाँ पे. अमुधा जी हाँ, अमुधा जी है यहाँ पे. यू आर फ्रॉम बैंगलोर. हिंदी एकदम नहीं आती आपको? हिंदी एकदम नहीं आती? नो आई कैन स्पीक बट यू नो इट शुड नॉट बी ग्रामेटिकली रॉन्ग. नो नहीं नहीं, इसी हिचक को दूर करिए. इस ऐसे अभी जैसे हमारे आचार्य जी सबको मौका दे रहे हैं और उन्होंने कभी वो प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया था और जब मौका मिला है तो शुरू कर दिया. तो जब कोई भी लैंग्वेज सीखने की प्रवृत्ति ये है कि जस्ट बोलना शुरू कर दीजिए. बोलना शुरू करेंगे तो दो चार गलती होगी, जो नहीं बोलेगा उसको क्या गलती होगी, तो और ज्यादा आप घुल मिल जाएंगे. वैसे बैंगलोर के किस पार्ट में आप रहती हैं? सेंट्रल बैंगलोर, फॉक्सटाउन सर. चलिए, मेरा प्रवास होता रहता है बैंगलोर में. अभी भी 8 तारीख से 18 तारीख तक मैं रहूंगा. मैं जारे में ज्यादा वहां बिताता हूँ. बॉट एक विला देयर, तो जारा और गर्मी वह काटता हूँ. तो इस बार तो भी 10 दिन के लिए जा रहा हूँ. जनवरी शायद उम्मीद है पूरे महीने के लिए रहूंगा. जब यहाँ ज्यादा जा रहा तो कोशिश करूंगा वहां भी कंटेक्ट करने का. आपको और आशीर्वाद, जिस लगन से आप कर रही हैं बहुत करते रहिए. बहुत लगन अच्छी आए आपकी. मैंने जो कहा हिंदी में, जो मैंने कहा वो समझ तो गई ना? अंडरस्टैंड सर. मैं जानबूझ के हिंदी में बोला जी. माय फादर वाज इन बॉम्बे. हाँ अच्छा, अदरवाइज यू आर फ्रॉम बॉम्बे? यू आर फ्रॉम बॉम्बे? नो, माय फादर वाज इन बॉम्बे. अच्छा अच्छा, नाउ यू आर सेटल्ड इन बैंगलोर. ओके ओके. अर्जुन सर, मैं भी बैंगलोर में हूँ, आ जाइएगा हमारे यहाँ भी. अच्छा अच्छा, पूनम जी आप भी बैंगलोर में ही हैं? हाँ सर. अच्छा अच्छा, चलिए मौका मिला तो, अगर वक्त थोड़ा भी मिला तो इस बार नहीं तो अगली बार जरूर मिलेंगे. ये अपनी एक फैमिली हो गई, ये पूरी फैमिली हो गई.
और ये बॉम्बे भी आइएगा सर, बॉम्बे भी आइएगा जी, बहुत बहुत जरूर जरूर करेंगे, मिलेंगे वहां के, जहां भी जाऊंगा मैं पूनम जी से फोन लेके, फोन नंबर लेके सारा मैं इस फैमिली में जरूर मिलने की कोशिश करूंगा सर। व्हाइट फील्ड में मैं हूँ, आ जाइए व्हाइट फील्ड में। हैं व्हाइट फील्ड में रहती हूँ, व्हाइट फील्ड में है। अच्छा ठीक है, माय हाउस इज वेलकम टू राजीव सर आल्सो, पूनम मैम आल्सो, एवरीबॉडी। जी 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 श्योर, इट्स ए फैमिली। बेंगलोर, I am in Kundralli, ma'am. Poonam, ma'am. Okay, Kundralli, okay. Yeah, okay. Actually, my house is there, but I'm staying here because of traveling. So we can meet up there sometimes. Okay, Ambudanji. Okay. Right. Raju so, sir ji, to Saturday Sunday, हमारे घर में ही रहते हैं. हमारे पति बोलते ब्रेकफास्ट नाश्ता चाय सब उनके साथ ही होता है, तुम लोग का हमारे साथ कुछ नहीं होगा। खाना भी आपके साथ ही खाते हैं हम लोग। सो सो नाइस ऑफ यू, इट्स योर ग्रेट रेस, इट्स योर योर सो स्ट्रांग बॉन्डिंग विद यू ऑल दैट लगता है कि यस बिल्कुल सही बोला अर्जुन सर ने, दिस इज ऑल आवर फैमिली, दिस इज द कंप्लीट फैमिली मेंबर्स। राइट, सो आज की सर्टिफिकेशन सेरेमनी कन्वोकेशन यहाँ पे हमारी एडवांस प्लस और वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे हमारा पूरा होता हैगा। जिस किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला हो तो प्लीज हमारे को मैप या कोई नेम चेंज हो किसी का तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, वी विल डू इट अगेन। एंड ये सारे के सारे आपको इसकी सबकी सॉफ्ट कॉपीज आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा या आपको सॉफ्ट कॉपीज हम दे देंगे। अपना अपना सर्टिफिकेट को निकालें, इसको प्रिंट करके अपने सर्टिफिकेट्स को आप एट द इनिशियल पोजीशन वास्तु के पर्सपेक्टिव से, जिनको एस्ट्रोलॉजी वास्तु नहीं आता उनको भी कोशिश करें, अपने साउथ साउथ ईस्ट में इसको रखिएगा कुछ समय के लिए, बिकॉज दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू डू द जॉब फर्दर इन योर लाइफ। वंस यू अचीव दैट कॉन्फिडेंस, जो आप नई शिक्षा ले जीवन में अपनाए करें, उस नई शिक्षा को आप जो है बाद में अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, तब आप नॉर्थ में ऐड करें, तब आप उसको आप ईस्ट में ऐड करें, लेकिन एट दिस इनिशियल स्टेज आप उसको साउथ साउथ ईस्ट में रखेंगे तो वो आपको एम्पावर करेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को जगाएगा जिसके माध्यम से आप दूसरों के सामने हिचकेंगे नहीं, बताते हुए करते हुए आपका एक माइंड खुला रहेगा, एक डर की भावना नहीं रहेगी, एक बैकग्राउंड में एक फीलिंग आएगी यस समबडी स्टैंडिंग देयर टू सपोर्ट अस, वो फीलिंग आपके अंदर आएगी। साउथ साउथ ईस्ट की पुष्य की देवता फील्ड वैसे भी आपको एक नरिशमेंट की देवता फील्ड है, वो जो सामने वाले को नरिश करने में काम आती है, यानी कि उसका पालन पोषण में काम आती है, उसके पालन पोषण के माध्यम से आप दूसरे वाले को हेल्प कर पाएंगे। तो अपने इस सर्टिफिकेट को फ्रेम करके रखिए, अपनी फोटो को लगा के रखिए, साथ में अपनी फोटो चिपकाइए इसके ऊपर, उस फोटो के माध्यम से रखिए, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी एनहांसमेंट होगी उससे। वंस यू रीच टू दैट लेवल देन यू कैन पुट इट मे बी पुट इट इन नॉर्थ, बट तक आपके पास और सर्टिफिकेट आ जाएंगे। सो ये आज का मैसेज था और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा शेड्यूल हैगा दैट इज फॉर द टैरो एंड द क्रिस्टल रेकी लामा फिरा, दैट शेड्यूल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द आई थिंक 2:30 या 3 बजे से शायद पूनम जी ने दिया है, 3 बजे से शायद शेड्यूल है ये, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आपके मैसेज पे लिखा होगा दहीज या 3 बजे से, तो आप उसके अंदर आप जरूर रहेगा फॉर द सर्टिफिकेशन सेरेमनी। एंड यस वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू से हियर इज दैट जिनके पास टिकट एनरोलमेंट के लिए है प्लीज अपना टिकट एनरोल करें और कोशिश करें वो टिकट के एनरोलमेंट आने वाले वास्तु स्विचवर्ड के सब्जेक्ट से कनेक्ट करें, क्योंकि सारे के सारे टिकट अगर एक ही जगह जाएंगे तो वो पूरा बैच कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। देन वो इंस्ट्रक्टर को भी है कि वो पूरा बैच उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। माई बैच इज ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई रिक्वेस्ट टू एनरोल इन टू दोज बैच विच आई एम कंडक्टिंग विच इज न्यूमोलॉजी इज कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। एंड मेरे साथ नीति जी का एक बैच आएगा मकान कुंडली का और वेस्टर्न वास्तु का, उसमें आप एनरोल करें एंड थोड़ा स्प्रेड करके टिकट होंगे तो इट बिकम ईजी। अभी आई एम सीइंग दैट कि बहुत सारे टिकट आर यूटिलाइज इन दी टैरो प्लस, तो टैरो प्लस का पूरा बैच कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, तो मेरे को पूरब जी ने बोला कि पूरा बैच ऐसा होएगा, आई सेड लेट मी रिक्वेस्ट टू ऑल दी माय पार्टिसिपेंट्स, सो जस्ट सी दैट यू आर चेंज कर लेंगे उसको। हाँ तो एनरोल तो और में भी करना है, बाकी में भी
बट यस तो इसलिए चेंज कर लेंगे उसको. हाँ स्प्रेड रहेगा तो इट बिकम इजी फॉर दी क्योंकि सारे इंस्ट्रक्टर ने मिलके ये हमने डिसीजन लिया था और ये हमारे लिए एक अच्छा सौभाग्य था हमारा कि हम ये कुछ हम कर पाए हमारे सारे पार्टिसिपेंट के लिए हमारे लिए भी एक सौभाग्य था ये और हम ऐसी चीजें करते रहेंगे. आने वाले टाइम में भी ऐसी बहुत सारी प्रमोशन स्कीम्स हैं जो कि इंस्ट्रक्टर्स ने डिजाइन करी हैं और डेफिनेटली वी आर कमिंग अप मोर एंड मोर एंड वी वॉन्ट वैल्यू एडिशन ऑलवेज. मकसद एक पॉइंट एक वैल्यू एडिशन इन द लाइफ ऑफ पीपल एवरीबडी टू एड वैल्यू इन द पीपल्स लाइफ दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग कैन डू in the universe. Add values in the, everybody's life. So, इसी मिशन के साथ आज का समापन करने से पहले अर्जुन सर से दो शब्द की गुजारिश. अर्जुन सर जी yes. फिर से एक बार सबको अभिवादन नमस्कार. बहुत अच्छा संचालन किया आपने इस प्रोग्राम को और हम समझते हैं कि यू नो लर्निंग का तो कोई अंत है ही नहीं. इस संचालन में भी हमें बहुत चीज सीखने को मिला है और हम सब फिर दूसरी जो सेशन शुरू हो रही है हम वहाँ जुड़ रहे हैं. मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा वो भी जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया हो उस कोर्स में वो भी जुड़े तो एक यू नो जैसे हमने कहा कि एक फैमिली हो गए हम तो फैमिली पूरी की पूरी वहां भी रहेंगे. ये नहीं कि हमने उस कोर्स में नहीं पार्टिसिपेट किया तो वहां जुड़े रहेंगे. तो एक कहते हैं कि सह एक वेद में और उपनिषद में आया है शह वीर्यामहे शह कर्मामहे मतलब साथ रहें साथ चलें और साथ सीखें तो इससे बहुत ही यू नो ज्ञान वर्धक हो जाता है उत्साह वर्धक हो जाता है. इसलिए हमारा आग्रह कि आप हम सब लोग फिर से जुड़ें 2:30 बजे या 3 बजे जो भी टाइम है हम सब साथ रहेंगे. आज पूरा दिन साथ रहेंगे. मुझे बैठने में थोड़ी तकलीफ अभी भी है लेकिन मैं बैठा हूँ. जब थोड़ा हो जाता है तो उठ के थोड़ा टहल लेता हूँ. तो आपको फिर से आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सब लोगों को नमस्कार. सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू आप सब लोगों को. आप और हमारा एक फेसबुक पेज है. थैंक यू हमारा एक फेसबुक पेज है. आप सबसे रिक्वेस्ट है उस फेसबुक पेज पर जाके अपने अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें. लिंक उसका ग्रुप पे डाल देंगे. प्लीज शेयर इट. इट हेल्प्स टू माई फैकल्टीज टू फॉर देयर प्रमोशन. इट हेल्प्स मी कि उनका भी प्रमोट होता है. दे आल्सो गेट वैल्यू एडेड इन टू देयर ओन लाइफ सर. तो आपके छोटे छोटे एफर्ट से उनकी जिंदगी में भी काफी वैल्यू एडिशन होती है. राइट. थैंक यू. धन्यवाद आप सब. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.